अस्सलाम टू गाइज ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अरसलान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अरसलान भाई सेकंडली अब्दुल्ला भाई तो आज नहीं आ सकेंगे, माइट भी उनका कुछ फैमिली मैटर्स हैं तो उनकी वजह से, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये नया सेशन कंटिन्यू करूँगा। जी अरसलान भाई ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। तो अरसलान भाई हम लोग आपकी ना जर्नी से स्टार्ट करेंगे कि लाइक आप काइंडली अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे के एक्चुअली में आप क्या करते हैं और आपके पास कौन कौन से स्किल सेट हैं। सो जी अरसलान भाई थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अहमद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया है। सॉरी फॉर द गाइस, सबसे पहले मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आवाज़ इस तरह की बर्दाश्त करनी होगी आप लोगों को। कोई मसला नहीं है, शुक्रिया तो करें जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा बोस, जर्नी मेरी बहुत सिंपल सी है, स्ट्रगलिंग पे सबका होता है। फाइबर पे काम करने का थोड़ा सा वे मैं शुरू में बता दूं मेरा डिफरेंट है। लोग प्रोफाइल रैंक करते हैं, उनसे अर्न करते हैं, मैं प्रोफाइल रैंक करके फ्लिप करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी स्किल सेट मेरा भी एसईओ है, मोस्टली यहाँ पे एसईओ और गेस्ट पोस्टिंग के लोग होंगे, मेरा भी यही है। बैकलिंक्स, होम पेज एसईओ, वेबसाइट डॉट इट, यही मेरी निचीज हैं, इनके अलावा और कोई स्किल सेट नहीं है। फाइवर पे स्टार्ट मैंने आज से 4 साल पहले लिया था, 2-3 अकाउंट एक साथ, 2 साल मैं कुछ नहीं अर्न कर सका। ठीक है, फिर अचानक एक क्लाइंट आया, 1 साल वहाँ पे उसके साथ लगे रहे, तब कोई वीवीआरओ का नहीं पता था, कोई चीज़ का नहीं पता था। अभी लास्ट 2 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल प्रोफाइल चला रहे हैं। इस टाइम मेरे पोर्टफोलियो में अराउंड कोई 20+ प्रोफाइल मैं फ्लिप कर चुका हूँ जो रैंक थी $1000 के अराउंड बुक, और विदन लास्ट 6 मंथ 7 to 8 million अर्न कर चुका हूँ सिर्फ पर फाइवर से। मल्टीपल प्रोफाइल है 5 to 6। इसके अलावा अगर कुछ और जर्नी में बताना जी अरसलान भाई तो मुझे बता दें। जी अरसलान भाई तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि लाइक इधर सारे न्यूबीज बैठे हुए ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मी, सभी ने अपना लाइक कुछ लोग तो ऑलरेडी फाइवर पे काम करते हैं और कुछ लोग अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें ये गाइड कीजिएगा कि आपने जब फाइवर स्टार्ट किया तो लाइक आपने कहीं से मेंटोरशिप ली इन टर्म्स ऑफ जो आप कहते हैं कि मेरे पास स्किल सेट है फ्लिपिंग के या रैंकिंग के या ऑप्टिमाइजेशन के, और आपने कहाँ कहाँ से लर्न किया वो भी काइंडली आप प्लेटफॉर्म से अगर शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू। अच्छा, फाइवर जो है ना वो लर्निंग की चीज़ नहीं है आपके, ना कि आपको फाइवर कोई लेक्चर देगा या आप किससे मेंटोरशिप लेंगे तो आपको फाइवर पता चल जाएगा। फाइवर ऐसा नहीं है, फाइवर को मोस्टली लोगों ने लिया हुआ है लाइक अ सर्च इंजन, जो मैंने बहुत टर्म देखी है, बहुत लोग कहते हैं कि ये सर्च इंजन है, लेकिन ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक मार्केट प्लेस है। जितनी आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी आपको उतना बेनिफिट है। आपने ये समुंदर है, समुंदर में से आपने हिरन का आना है। ठीक है, ये सीन है सिंपल सा। और मैंने मेंटोरशिप किसी से नहीं ली थी, मेरा एक दोस्त था जो मुझे फाइवर पे लेके आया था, उसने गिग बना के दी थी, मुझे ये नहीं पता था कि कीवर्ड क्या है, गिग क्या है, कुछ भी नहीं। 56 days मैं ऑनलाइन रहा था तो मुझे पहला ऑर्गेनिक ऑर्डर आ गया था। 1 साल मैंने ऑर्गेनिकली काम किया है, वैसे ही मुझे नहीं पता कि गिग क्या है, कैसे चल रही है, ऑर्डर आ रहे थे, फुलफिल कर रहा था। उसके बाद लास्ट 3 ईयर से मैं मूव हुआ हूँ मल्टीपल्स की तरफ, वीवीआरओ, फ्लिपिंग एंड डिफरेंट मॉडल अपना फाइवर पे यूज कर रहा हूँ। जी अरसलान भाई तो हम लोग अब से ये जानना चाहते हैं कि लाइक अगर न्यूबी जो अपना फाइवर है वो स्टार्ट करता है तो सबसे पहले आप क्या चीज़ रिकमेंड करेंगे, लाइक उसे एक पर्टिकुलर स्किल सेट में जाना चाहिए या मल्टीपल वे से अपनी जो है प्रोफाइल उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। जी अरसलान ब्रदर, सबके लिए सजेशन है कि फाइवर पे हर चीज़ का ऑर्डर है, जो मर्जी किसी का स्किल सेट है, हर चीज़ के ऑर्डर पड़े हैं। मैं इवन स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा भी। ये बात आप भूल जाएं कि फाइवर सैचुरेटेड है, फाइवर पे बहुत गैप है, ये बहुत गैप है। फाइवर पे इतना इजी है फाइवर, जस्ट आपको रिसर्च की ज़रूरत है। अभी मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ सबके लिए, आपके पास जो स्किल सेट है ना उसका सिर्फ पेपर वर्क कर लें। पेपर वर्क मीन टू से फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं, आपकी स्किल है, उसको आपने पहले डीप डाउन कर लेना है कि इसमें आता क्या क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग आती है, ब्रोशर डिज़ाइनिंग आती है, टी शर्ट डिज़ाइन आता है, बैनर डिज़ाइन है, यूट्यूब थंबनेल है। इनको पेपर वर्क करने के बाद ये नीचे फाइवर पे जाके सर्च करें, वहाँ पे देखें कि किस स्किल सेट में सबसे कम लोग बैठे हैं और सबसे ज़्यादा ऑर्डर हैं, और उसमें आप रैंक कर सकते हैं। और एवरेज सेलिंग प्राइस, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। मीन टू से बात करने का मकसद है कि आपको पता हो कि यहाँ पे अगर 3 से 4 हज़ार सेलर बैठे हैं तो मैं इस पे पहले पेज पे आ सकता हूँ और मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। हम सब लोगों में एक गलती है कि हम एक एसईओ सीखते हैं या एक स्किल सेट सीखते हैं, फाइबर को लर्न किए बगैर, मीन टू से रिसर्च किए बगैर हम उस पर गिग बना देते हैं। अभी मैंने वर्डप्रेस सीखा है तो मैं क्या करूँगा, आई विल डिज़ाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, आई विल डिज़ाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये अब इस पर आपको कभी नहीं ऑर्डर आएगा। मुझे वर्डप्रेस को डीप डाउन लेके जाना होगा कि वर्डप्रेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वर्डप्रेस में प्लगइन है, वर्डप्रेस में थीम की ऑप्टिमाइजेशन है, वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ है, ठीक है, इंडेक्सिंग के इश्यूज हैं, सर्च कंसोल है, हेडर फुटर की एडिटिंग है, काफ़ी कुछ है। आप जब डीप डाउन जाओगे ना, आपको इतनी निचल मिल जाएंगी कि आपका एक स्किल सेट मोर देन 10 अकाउंट्स रन कर सकते हैं। जी तो अरसलान भाई ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप ना अपनी जो नीश है उनको नैरो डाउन करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पे आप लोग गैप फाइंड करके उस पे अपना जो है गिग को ऑप्टिमाइज करके रैंक कर सकते हैं। तो अरसलान भाई ऑन द अदर हैंड हम लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि लाइक मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की अबाउट 2 years अगो ऑन अ फाइवर। सो अरसलान भाई हम लोग देखते हैं कि यार हर बंदे ने ना क्या किया हुआ है कि ना लाइक हमें जो लगता है ना कि यार पर्सनली कि हर चीज जो भी हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं जितना मर्जी हम लोग नैरो डाउन कर लें, समहाउ अगर कुछ चीज कुछ नीशेस को नैरो डाउन करते हैं तो उनकी जो सर्चेज हैं वो फाइवर पे होती ही नहीं है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग किस चीज को नैरो डाउन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यार उस पर ऑलरेडी लोग बैठे हुए इन टर्म्स ऑफ दैट स्पेसिफिक क्यूरी नहीं। लाइक अगर मैं देख रहा हूँ कि यार मैं अमेजोन का कुछ कह रहा हूँ कि A+ कंटेंट के अगर सर्विस दे रहा हूँ, या एसईओ में अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ना आपका क्रॉल इशूज फिक्स करके देता हूँ तो लोगों ने, या स्क्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू ऑडिट करके देता हूँ लोगों को, तो लोगों ने उन उस पर्टिकुलर क्यूरी के ऊपर अपनी गिग्स ऑप्टिमाइज नहीं की हुई। लोगों ने क्या किया, सिंपली मैं आपको ऑडिट करके देता हूँ या मैं आपको टेक्निकल एसईओ ऑडिट प्रोवाइड करके देता हूँ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो क्यूरीज जिनके सर्च वॉल्यूम ही नहीं है उन पे हमें गिग्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर सर्च कर रहे हैं, सपोज करो मैं स्क्रीमिंग फ्रॉग सर्च कर रहा हूँ या कुछ ऐसी स्किल सेट सर्च कर रहा हूँ जिस पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो नहीं भी उसके रेलिवेंट एट द एग्जैक्ट हेडलाइन वो चीज नहीं आ रही, उसको मतलब ब्रॉड वर्ड में आ रही है लेकिन फिर भी शो हो रहे हैं रिजल्ट्स, लेकिन वो ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या मुझे उस पर भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो अरसलान भाई इसका आंसर। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि जो क्लाइंट है ना वो इस तरह कीवर्ड सर्च कभी नहीं करेगा लॉन्ग टर्म। और इसमें एडिशन करता हूँ, जो कीवर्ड्स आपने अभी बताए हैं ना, ऑडिट और A+, इस पर मेरी बहुत गिग्स हैं, ठीक है, मैं A+ पे भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेन टू से मैं आपके क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर करता हूँ कि आपने जब भी गिग को ऑप्टिमाइज करना है एक कीवर्ड के अगेंस्ट नहीं करना। आपने 3 कीवर्ड्स फाइंड करने, 2 लो कंपटीशन होने चाहिए जिसपे सर्चेज बेशक कम है, बेशक उस पर ऑर्डर रेशो कम है, एक आपने हाई कीवर्ड पकड़ना है। स्टार्ट में आपको जो ऑर्डर लेके देगा वो आपका लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है, क्योंकि जब भी क्लाइंट आता है हर क्लाइंट का माइंडसेट डिफरेंट होता है। अगर आप वेबसाइट ऑडिट की लेके जा रहे हो ना तो कोई क्लाइंट आएंगे वो सिर्फ ऑडिट सर्च करेंगे, कुछ क्लाइंट आएंगे वो स्क्रीमिंग फ्रॉग का नॉलेज रखते होंगे, वो स्क्रीमिंग फ्रॉग सर्च कर लेंगे, कुछ ने वेबसाइट ऑडिट सर्च करना है। अगर वेबसाइट ऑडिट मेन कीवर्ड है, एसईओ ऑडिट मेन कीवर्ड है, वेबसाइट ऑडिट सेकेंडरी कीवर्ड है, या स्क्रीमिंग फ्रॉग आप थर्ड कीवर्ड लेके चलते हो, आपने अपनी गिग 3 कीवर्ड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करनी है ताकि आपको कुछ ऑर्डर स्टार्ट में आपके लो कंपटीशन वाले कीवर्ड लेके दें। देन आपकी गिग जैसे ही लेवल 1 के करीब जाएगी या लेवल 2 के करीब जाएगी या ज़्यादा ऑर्डरिंग क्यू आएंगे, आपकी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी, आपकी गिग अगेंस्ट न्यू कीवर्ड मेन कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होना शुरू हो जाएगी। और ऑर्डर सिर्फ आपको सर्चिंग से नहीं मिलते, ऑर्डर्स आपको रिकमेंडेशन से भी मिलते हैं। इवन फाइवर आपकी प्रोफाइल बायर के इनबॉक्स में जाके भी देखता है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है वो इनबॉक्स में जाके उसको मैसेज करता है कि आपको वर्डप्रेस की सर्विस चाहिए, ये डील डेल में ये सेलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनकी ट्राई करें। वहाँ से क्लाइंट बहुत आते हैं। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि अपनी गिग कभी भी एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपने नहीं बनानी। अब अमेजोन A+ कंटेंट की एग्जाम्पल ले लें, जो लोग समझते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को उनको इन चीज़ का नॉलेज होगा। अमेजोन A+ कंटेंट क्या है, मैंने अपनी गिग्स पे अगेंस्ट एक कीवर्ड पे नहीं ऑप्टिमाइज की, मैंने अमेजोन A+ पे भी की है, अमेजोन EBC पे भी की है और EBC डिजाइन पे भी की है। अब तीनों देखा जाए सेम कीवर्ड है, ठीक है, लेकिन क्लाइंट की जो अप्रोच होगी वो डिफरेंट होगी मुझे करने की। ये सीन है कि आपने गिग कभी भी एक कीवर्ड के अगेंस्ट कभी नहीं ऑप्टिमाइज करनी, आपने 2 से 3 कीवर्ड मिनिमम ऑप्टिमाइज करनी है। जी और अरसलान भाई जो सेकंड क्वेश्चन है एज ए न्यूबी, क्योंकि हम लोग जो है जाहिर सी बात है बाकियों को तो नहीं पता लेकिन ओबियसली पाकिस्तानियों के बारे में मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि हम लोग ना छापा बहुत लगाते हैं कि जब भी गिग क्रिएट करनी है दूसरे की जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल बस ना उधर से उठा के लगा दी या वैसे ही और सेम एज इट इज डिस्क्रिप्शन उठा दी। हाँ उसने अगर वो टीम को हाईलाइट किया या अपने कुछ स्किल सेट को हाईलाइट किया, हम उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, अपने नाम को हाईलाइट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में ताकि थोड़ा ना डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, चेंजेस हो जाए। तो क्या फाइवर का एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस क्या वो डिटेक्ट करता है डुप्लीकेशन को या हमने किसी की कोई चीज़ कॉपी की है उस चीज़ को? जी अरसलान भाई देखें, आज से पहले ये चीज़ अभी भी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। माइट भी पॉसिबल लोग कुछ एग्री नहीं करेंगे इस पर। अगर एक गाड़ी के 4 व्हील है ना, तो उस पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप वहाँ पे 4 व्हील लिखेंगे। अब कुछ लोगों ने टाइटल इस तरह के स्पेसिफिक लिखे होते हैं, आप अपना यूनिक टाइटल भी बना लोगे ना, वो किसी ना किसी के साथ मैच कर जाएगा। जी आपने 10 गिग्स ओपन किए हैं, उसमें से टाइटल उठाओगे, क्या लिखोगे, वो 2-3 कीवर्ड ही आपने पुट करने हैं, वो किसी ना किसी के साथ मैच कर जाएगा। तो टाइटल का कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जैक्ट मैच उठाएं, ये ज़रूर कहता हूँ कि कीवर्ड्स को थोड़ा सा चेंज आप ज़रूर करके, ताकि आपकी क्योंकि कल को आपने रैंक करना है ना, आपका भी टाइटल और आपके साथ वाले का भी टाइटल सेम मैच हो रहा होगा, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। बाकी फाइवर टाइटल के मामले में कुछ नहीं कहता। अब डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे आपने अपना सारा कमाल दिखाना है ऑप्टिमाइजेशन में। टाइटल में तो 3 कीवर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, टाइटल में आपने 3 कीवर्ड यूज़ करने हैं, एक मेन कीवर्ड, 2 लो कॉम्पिटिशन। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। अब तो डिस्क्रिप्शन आप एआई से भी लिखवा सकते हैं, ChatGPT से मैं यूज़ करता हूँ, वर्किंग है मेरे लिए। आप दूसरों की डिस्क्रिप्शन पकड़ें, ChatGPT से वहाँ से लाइन बाई लाइन लिखवाएं ना। ये नहीं है कि ChatGPT को कहें कि आप हमारा सारा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दें, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लें ChatGPT से। इसमें जो मेन चीज़ है ना, आपने क्लाइंट का पेन पॉइंट हिट करना है। सबसे पहली जो लाइन है वो क्लाइंट का पेन पॉइंट हिट कर रही हो। लाइक क्लाइंट आ रहा है आपके पास वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज के लिए, आप सबसे पहले स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अबाउट लाइन लिखें और अपने मेन कीवर्ड टारगेट करें। और साथ ही थोड़ा सा सोल्यूशन भी उसको बताएं कि आप GTmetrix के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करके देंगे, पेज स्पीड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करके देंगे, ताकि क्लाइंट को लगे कि ये बंदा वर्थिड है और इसके पास नॉलेज है। देन फिर उसके बाद वही जनरल आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स, जिसमें आप देख कह सकते हैं A+ ग्रेड होगा, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, अनलिमिटेड विजन, ये सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स है ना, उसमें आपने अपना पिचिंग पॉइंट और आपका पिच करने का जो वे है ना, वो आपका कमाल का होना चाहिए, जिससे कि एक बार क्लाइंट आपकी गिग ओपन कर रहा है, उसके पास दूसरा चांस ना हो कि वो किसी और की ओपन करे। सो मैं मेन 2 पैराग्राफ पे फोकस करने के कहता हूँ, यही आपने करने है। वो ChatGPT से ले लें, उससे लाइन बाय लाइन लिखवा लें, खुद अगर आप राइटर हैं तो खुद लिखें, वो उससे बेस्ट है, कोई चीज़ नहीं है। इवन लास्ट चीज़ है इसमें टैग्स भी आप कॉपी कर सकते हैं, उसमें भी इशू नहीं है। टैग्स आप फाइवर क्विक की एक एक्सटेंशन आती है उससे भी ले सकते हैं, वरना जो पहले लेवल 2 टॉप रेटेड की हैं उनके भी टैग कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी अच्छा सान भाई, जो फिर जो थर्ड वन जो हमारे पास चीज आती है लाइक इन टर्म्स ऑफ गिग ऑप्टिमाइजेशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा थंबनेल है या जो भी चीज़ है उसको किस वे से लेके जाना चाहिए? कुछ लोग जो हैं वो सिंपली क्या करते हैं कि जो नॉर्मल कैनवा की टेम्पलेट्स हैं उन्हें उन वही लगा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो लाइक जिस तरह यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं उस टाइप जो है गिग का जो है क्या लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी उस तरह की करते हैं। तो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें किस तरह का गिग की जो थंबनेल है वो किस तरह का सेट करना चाहिए? सो इसके बारे में गाइड कीजिए आप ना। मैं बताता हूँ, आप किसी भी चीज़ पे वर्क करने लगे ना, आपने उसमें देखना कि 100% में से ज़्यादा मार्क्स कौन सी चीज़ ले रही है। अगर हम फाइवर पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं ना, हमारे पास अगर फर्स्ट पेज में गिग्स आ रही हैं तो 70% एरिया वो गिग गेमर ने कवर किया हुआ है, पीछे सिर्फ एक बस टाइटल है। सो मेन चीज़ गिग गेमर है। मैं इसके बारे में बात करने भी लगा था, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन कर लिया कि मेन चीज़ गिग गेमर है। गिग इमेज पे आपने इन्वेस्ट करना है। खुद तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपने कैनवा से बनानी है, आपने हमेशा एक प्रॉपर हाई लेवल ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है। Adobe Illustrator से वो इमेज बना के दे, Adobe Photoshop भी मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसकी भी क्वालिटी शायद थोड़ी सी डाउन आती है। तो Adobe Illustrator से जब वो आपको एक आई कैचिंग इमेज बना के देगा ना, फर्स्ट आपकी इमेज है जिसने क्लाइंट को आपकी गिग पे लेके आना है। अगर आपकी इमेज ही अच्छी नहीं ना होगी, बाकी चीज़ें तो बात की है ना, क्लाइंट टाइटल नहीं पढ़ता, डिस्क्रिप्शन पढ़ता है मोस्टली, क्लाइंट टाइटल को बहुत कम में पढ़ता है। टाइटल सिर्फ आपको ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। डिस्क्रिप्शन क्लाइंट को पिच करती है, पैकेजेस क्लाइंट को कन्वर्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन कन्वर्ट करती है, और सबसे मेन काम करती है वो इमेज। इमेज आपने कोई टेम्पलेट नहीं लेके आनी, इमेज आपने किसी की कॉपी नहीं करनी, आपने यूनिक इमेज बनानी है। अब इमेज के बारे में दो तीन है कि आपने ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना, ये सब कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, आपने बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लेके जाने की इमेज जो है ना। लाइक आप अब मैं बता रहा हूँ कि आप अब वेबसाइट डिजाइनिंग की कैटेगरी पे रैंक कर रहे हैं और वहाँ पे आप गिग इमेज लगा रहे हैं पिंक कलर की, गिग इमेज लगा रहे हैं आप ऑरेंज कलर की, इस तरह के आपने कलर यूज नहीं करने। आपने वहाँ पे देखना है कि जो नीचेस के टॉप रेटेड या लेवल 2 के सेलर बैठे हैं ना, उन्होंने किस तरह की इमेज पिक की हुई है। हर कैटेगरी में इमेज के कलर और इमेज का डिज़ाइन ये डिफरेंट है। जब तक आप उनके साथ मैचिंग नहीं ना करेंगे, थोड़ी बहुत यूनिक हो लेकिन आपने कलर्स और कम्बिनेशन उनके साथ मैच रखना है थोड़ा बहुत, ताकि आप बिल्कुल डिफरेंट लग सकें। एक और एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब की कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं ना, तो आपको यूट्यूब के जैसी थंबनेल बनानी होगी। लाइक जो कलर्स यूट्यूब को पिक करें, लाइक लगे कि ये बंदा यूट्यूब के बारे में काम कर रहा है। आई होप के इमेज का आप कंसेप्ट क्लियर है। जी अरसलान भाई, थैंक यू, आपने इसका ना जो है वो क्लैरिफिकेशन की इस क्वेश्चन की। तो अरसलान भाई एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा, कुछ लोगों के पास तो एक्सपीरियंस होगा जिस तरह मैं हूँ या कुछ और लोग हैं जो एजेंसी में काम करते हैं ऑलरेडी, अगर वो अपना के फाइवर ने भी वो जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया कि आप अपना जो प्रीवियस वर्क है वहाँ पे भी आप इम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वो लोग जिनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो क्या अगर वो फाइवर को ज्वाइन करते हैं तो क्या वो ऑर्डर गेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर वो क्लस्टरिंग में जाते हैं या ऐसी नीश में एसईओ में जाते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट प्रीवियसली पोर्टफोलियो मांगता है, तो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होगी ये? चीयर्स मैम। देखें, फाइवर पे लक भी डिपेंड करता है, लक के साथ साथ आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो का सेक्शन बहुत अच्छा है, जो भी नीच में कोई भी बंदा काम करेगा कैटेगरी में, वो उस काम की पहले प्रैक्टिस तो करेगा ना, नहीं भी उसने किसी क्लाइंट का वर्क किया वो प्रैक्टिस तो करेगा। लाइक अगर वो एसईओ कीवर्ड सर्च की देना चाह रहा है सर्विस या एक्सपायर्ड मेन फाइंडिंग की सर्विस देना चाह रहा है, ठीक है, उसने वो पहले प्रैक्टिस की होगी तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा ना, कल को मेरे पास क्लाइंट आएगा तो मैं उसका वर्क फुलफिल कर लूँगा। अब जो उसने प्रैक्टिस की है ना, उसको ही वो एज अ पोर्टफोलियो शो करवा सकता है, इतना इशू नहीं है। बजाय इसके कि आप किसी और का चोरी करके, तो आपको लगेगा कि मैं क्लाइंट हो जाएगा कन्वर्ट, लेकिन जब आपके पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, स्किल ही नहीं होगी, तो आप उस ऑर्डर को कैसे फुलफिल करेंगे। जो आपने प्रैक्टिस की है वही आपने एज अ पोर्टफोलियो शो करवा देना, इसमें कोई इशू नहीं है। जी तो अरसलान भाई अब जो नेक्स्ट थिंग है कि लाइक हर बंदा कहता है कि यार विद पैसेज ऑफ टाइम हम जो फाइवर है या अपवर्क है या कोई भी जो पर्टिकुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसे freelancer.com है, ठीक है, हर बंदा कहता है कि हर में डे बाय डे कंपटीशन जा रहा है, तो आया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर नीश में जाते हैं तो कल को अगर हमें कोई ओवरकम कर सकता है उस पर्टिकुलर नीश में, या हमें विद पैसेज ऑफ टाइम पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना पड़ेगा, या इन दैट सेंस अपनी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसे करते ही रहना चाहिए विद पैसेज ऑफ टाइम, या वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो अरसलान भाई इसके बारे में भी बताएं। देखें, मेरी टर्म में एक बार गिग रैंक कर गई तो उसमें एडिटिंग हराम है, ठीक है। एक बार गिग रैंक कर गई तो उसमें एडिटिंग हराम है, मैं ये कहता हूँ। जो फाइवर तब भी आपको डी रैंक करता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कोट करता हूँ। आपके कंपनी चला रहे हो ना और आपके पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपने तब तक उसको ही प्रमोट करना है जब तक वो एम्प्लॉय खुद अच्छा काम कर रहा है, अपने भी पैसे बना रहा है और आपको भी पैसे बना के दे रहा है, ठीक है। जब उसने कोई इस तरह का काम करना है जिससे आपको नुकसान होगा या आपके क्लाइंट नहीं अच्छे जाएंगे, वो डिसआर्ट होंगे, तब उसको आपने किक आउट करना है। फाइवर पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ये गूगल नहीं है कि एक नीचे से वेबसाइट आती है ज़्यादा बैकलिंक बनाती है तो आपकी डी रैंक हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल तब तक स्टेबल है जब तक आप क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्लाइंट सेटिस्फाइड हो रहा है, रिपीट दोबारा आपको ऑर्डर दे रहा है, 5 स्टार मिल रहे हैं, प्राइवेट फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं आपको, फाइवर को भी कमीशन जा रहा है, वो आपको कभी डी रैंक नहीं करेगा। मैंने अभी ऐसी चीज़ है बताइए कि फाइवर इनबॉक्स में जाके आपकी गिग प्रमोट करते हैं, हमें इस वजह से पता है क्योंकि हम बायर अकाउंट्स भी चला रहे हैं। वो जो बंदा सेलर अच्छा काम कर रहा है उसकी गिग को वो पकड़ के ऐसे ऊपर लेके आता है जैसे उसकी अपने घर की गिग है, ये सीन है। तो जब तक आपका क्लाइंट खुश है ना, समझो आपकी गिग डी रैंक नहीं होगी, ये चीज़ आप बेफिक्र हैं। और एक आपने शायद क्वेश्चन और किया है सॉरी माइंड से कि पैसेज ऑफ टाइम कंपटीशन बढ़ रहा है, क्लाइंट भी बढ़ रहे हैं, नीचेज भी बढ़ रही हैं। आपकी एसईओ जब थी ना आज से 10 साल पहले, दो चीज़ें उसमें यूज होती थी, एक ऑन पेज एक ऑफ पेज, इसके अलावा तीसरी चीज़ मैंने नहीं देखी थी। अभी देखें उसमें टेक्निकली आ गया है, इंडेक्सिंग के इशू आ गए हैं, नीच एडिट्स आ गया है, वेबसाइट ऑडिट्स आ गया है। ये एक ही नीच के अंदर बहुत से स्किल सेट बढ़ रहे हैं और क्लाइंट भी इनके बढ़ रहे हैं। ये चीज़ से आपने कभी नहीं घबराना। मैं वही बताया ना कि फाइबर सैचुरेटेड नहीं हुआ, फाइबर पे गैप बढ़ रहा है दिन पे दिन। सिर्फ आपको अपनी जो पोजीशन है ना, जो प्लेस है, वो फाइंड करनी है कि मैं इस प्लेस के लिए बनाऊं। जी अच्छा अरसलान भाई, एक सेकंड थिंग ये कि हम लोग एज अ न्यूबी जब भी जाते हैं फाइवर पे तो हमें रिकमेंडेशन आती है कि हमेशा अपनी जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल आप लोग नैरो डाउन करें, उसे लो रखें एज कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर्स, या इन टर्म्स ऑफ अगर कोई एसईओ की सर्विस दे रहा है। ओबियसली कुछ चीज़ें सर्विस ही ऐसी है कि हम लोग उस पर प्राइस का जो है ना उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर क्या हमें जो है प्राइस, अगर हम हमारी सपोज करें कुछ और सर्विस है उस पर क्या हमें वही प्राइसिंग पे जाना चाहिए जो हमारे कंपेटिटर सेल कर रहे हैं? ऑन द अदर हैंड क्या हमें जो अपनी प्राइस है उसको बिल्कुल ही गिरा देना चाहिए ताकि हमारी गिग रैंक हो? या सपोज करें कुछ ऐसी सर्विस है जिस पे हम लोग प्राइस पे कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते, तो इन दैट सेंस हमें क्या करना चाहिए? जी अरसलान। अच्छा फाइवर पे ना कुछ कैटेगरीज पे फाइवर ने लिमिट लगा दी है कि आप उससे डाउन अपनी प्राइस नहीं कर सकते। वर्डप्रेस की कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे ना, आप $80 से नीचे प्राइस नहीं लेके जा सकते। इवन वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन की कैटेगरी में चले जाओगे ना, तब भी $30 से नीचे प्राइस नहीं लेके जा सकते। ये सिर्फ इसी वजह से फाइबर ने किया है कि हमें एशियन में ये चीज़ देखी जाती है कि अपनी गिग को सबसे नैरो डाउन कर दो प्राइस से ताकि क्लाइंट पिच हो। जिस क्लाइंट का माइंड सेट बिग है ना, बड़ा है, उसने कभी भी लो प्राइस वाले सेलर के पास नहीं जाना। आपके पास फाइवर ने आपको वही क्लाइंट के पास प्रमोट करना है जितनी आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस है। अब आपका कंपटीटर $70 में एक चीज़ बेसिक पैकेज रख रहा है ना, तो आप उसको 50 में कर लें, 60 में कर लें, इधर तक लेके जाएं, थोड़ा सा नैरो डाउन आए क्योंकि आप एक न्यू सेलर हैं, उसका लेवल 2 है, टॉप रेटेड है। आपने ये नहीं करना है कि एक 70 बंदा प्राइस ऑफर कर रहा है, उस कैटेगरी में 70-80 प्राइस चल रही है बेसिक, और आप वहाँ पर जाके $5-10 से रैंक कर जाएँ। वो रैंक होगी, डी रैंक हो जाएगी थोड़े दिन बाद। ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपको इतना जेन्युइन रखना है, आपने अपनी वर्थ को खुद समझना है। ठीक है, आपके पास क्लाइंट आता है तो आपकी प्राइस इतनी हो कि आप अपने काम को जस्टिफाई कर सकें। अब आपने एक प्राइस रखी है $10, उसमें आप एक वेबसाइट बना के दे रहे हैं, क्लाइंट को डाउट में आ जाएगा कि ये पता नहीं किस तरह की वेबसाइट बना के दे रहे हैं। ठीक है, आपने जो चीज़ है ना प्राइस, उस पर आपने फोकस करना है, अपने कंपटीटर को फॉलो करना है। सिंपल, थोड़ी सी नैरो डाउन में लेके जाता हूँ, बिल्कुल स्लो सी, लाइक 70 है तो 60-50 तक, बस इससे डाउन ही लेके जाता। जैसे लेवल 1 लेवल 2 होता है मैं प्राइस फिर अप ले जाता हूँ, क्योंकि हमें एट दी एंड पैसा चाहिए। ये मैंटेलिटी है पाकिस्तानियों की कि लो प्राइस करेंगे तो क्लाइंट ज़्यादा आएंगे। नहीं, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप ज़्यादा प्राइस के ऑर्डर ले रहे हैं ना, आपको ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। एक प्रमोटेड गिग का फीचर मिल जाता है आपको लेवल 1 के बाद, शायद कुछ लोगों को पता हो। अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस अच्छी है, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, वो आप ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। उसमें फाइबर रिकमेंडेड में भी गिग शो करवाता है, मैसेज में भी गिग शो करवाता है, सर्च के टॉप रिजल्ट में भी गिग शो करवाता है। जस्ट आपको ऑर्डर बड़े मिल रहे हैं, फाइबर को बेनिफिट हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है। सो प्राइस वाला आपने नैरो डाउन नहीं करना। जी अच्छा अरसलान भाई, अब तो ये एक तो मिथ आपने रिजॉल्व कर दी। ऑन द अदर हैंड लाइक जिस तरह अपवर्क पे कनेक्ट्स वाला सीन है और पेड एडवर्टाइजमेंट वाला भी सीन है, तो सेम हाउ फाइवर पे है, तो क्या आप न्यूबी को सजेस्ट करेंगे कि अगर उसके पास कुछ बजट है और फाइवर पे ग्रो करना चाह रहा है, तो क्या हम एज अ न्यूबी अपने जो प्रोफाइल है उसे रैंक कर सकते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या कुछ इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करना चाहें तो? जी अरसलान भाई, इसके बारे में क्या कहना है? फाइवर ना, कुछ लोगों को मैं भी फॉलो करता हूँ, उनमें से रात ही मैंने एक सेंटेंस सुना है। उस इंसान ने कहा था फाइवर अब जो रह गया है ना, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हट के एक बिजनेस बन चुका है। अब पैसे की बात लेके आते हैं, मैं आपको सारा बिजनेस मॉड्यूल यहाँ पे बता देता हूँ जिसपे हम भी वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ लोग आज स्टार्ट लेंगे तो 1 साल बाद वो भी यही लेवल पे वर्क कर रहे होंगे। फाइवर पे ग्रो करने का 2 ही वे हैं। एक है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मैं लोगों को कहता हूँ कि गिग अच्छी ऑप्टिमाइज करें, कीवर्ड अच्छा हो, तो फिर बाद में आपने दुआ करनी है अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे काम दो, सीधी सी बात है। वो आता है जी जी इंशाल्लाह, मुझे भी ऑर्गेनिक आया है तो आता है ऑर्गेनिक और भी। और अब अरसलान भाई जी ना, दूसरी चीज ये है कि ना काम भी आता हो बंदे को, खाली गिग से तो आ ही जाना ना काम तो यहाँ पे। मैंने हाँ जी फर्स्ट बताया ना कि काम आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्लाइंट आपके पास आ गया ना, पहले ही क्लाइंट आपका अच्छा नहीं गया तो वो समझ लो आपकी जो इतने सालों की मेहनत है ना वो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी दूसरी चीज आप बिजनेस के मामले में लेके जाए ना, फाइवर पे एक टर्म यूज होती है VVRO, जिसको फेक ओके रिव्यूज भी कहा जाता है। ओके और बहुत लोग लगाते हैं ये, बहुत बिग किंग्स हैं जो लगाते हैं और बताते नहीं है कि हम VVRO लगाते हैं। अल्लाह उनका भी भला करे। हम ओपनली बताते हैं कि हम लगा रहे हैं, ओके ठीक है। VVRO एक चीज है फेक रिव्यूज, ठीक है। हम अपने बायर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, USA, UK के, यूरोप कंट्री के। हमने सबसे पहले रिसर्च करनी होती है कि इस कैटेगरी और नीच के ना वहां पे बायर किस कंट्री में है। मोस्टली अब मेरी जो एक नीच है उसके बायर इस तरह की कंट्रीज के हैं जिनके लोगों को नेम भी नहीं पता। लेटविया, फिनलैंड, पोलैंड, माल्टा, इन कंट्रीज से हम्म मेरी एक नीच के बायर हैं। अब मैंने हम्म। इन कंट्रीज के बायर अकाउंट बनाए हैं, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता है नहीं इन पता, कंट्रीज का। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली। हाँ, अब मैंने इन कंट्रीज के बायर अकाउंट बनाए हैं। अब मैं उनसे ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं कोई 5, 10, 15, 20 ऑर्डर लगाता हूँ, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है VVRO की। तो जी वो थोड़ा सा लॉन्ग सेशन हो जाएगा VVRO को अगर मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया तो। नहीं, अरसलान भाई आप जस्ट एक ओवरव्यू दें चीज़ों का, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आवाम जी ने जी भी क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है और जी हम जी लोग कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएंगे। सो टू द पॉइंट रखें, आप अपना जो बिजनेस है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे, तो उसको एज इट इज़ लेके जाए इंशाल्लाह, जी जी क्योंकि इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम बड़ी कॉपी पेस्ट वाली है, मुझे पता है ना को, इनका कोई मसला नहीं है। वो निचिल है, अरसलान के पास वो निचिल है, वो कोई मसला नहीं है। मेरी एक नीच अच्छा इस चीज से याद है, मेरी ना ये प्राइस से भी याद आई थी ये बात। मेरी एक नीच ना ऐसे ही पब्लिक हो गई थी पाकिस्तानी में। ओके मुझे जो अभी दुख आता है उस हाँ पे जी ना, मैं $80 में एक वेबसाइट बना के दे रहा था। सिर्फ एक थीम इंस्टॉल करके देना था, स्पेसिफिक सा थीम था। ओके $80 में हम इंस्टॉल करके तो उस पे वेबसाइट लाइव कर देते थे। जी मेरे कोई मंथ में ना 10 से 15 ऑर्डर पड़ते थे, $2,000 बन जाती थी इनकम। मेरी वो माशाल्लाह नीच रिवील होगी, ठीक है। ओके बाय मिस्टेक मैंने एक सेशन किया, उसमें अकाउंट शो हो गया। अब उस नीच पे लोगों ने $10,000 में गिग्स बनाई हुई हैं। अगर किसी ने बनानी थी तो $80 तो लेके जाता। अब जी उस नीच में अभी तक मेरी एक गिग स्टेबल चल रही है, वो 400, 500 इनकम दे रही है। और आज से 1 साल पहले वही मेरी गिग्स 1,000 से $2,000 तक जा रही थी। ये पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ना किया करें। जी तो दूसरी मैंने आपको बिजनेस का बता रहा था कि VVRO एक टर्म है जिसके इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ फेक रिव्यूज लगाए जाते हैं ताकि आपका लेवल 1 हो जाए, कुछ ऑर्डर्स आ जाएं आपको, कुछ रिव्यूज हो जाएं। जब पहले पेज पे आती है ना, क्लाइंट आपको श्योरली ऑर्डर देता है। ये इस ओके टर्म में आप फाइबर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो फाइबर की तब आपने करनी है जब आप कुछ अर्निंग शुरू कर दें। लाइक लेवल 1 आ जाता है, फिर प्रमोटर गिग आपको मिल जाता है। प्रमोटर गिग जिस दिन को मिला हुआ है वो लाजमी यूज करें, ठीक है। ओके वो प्रमोटर गिग के जो पैसे होंगे वो फाइबर तब आपसे चार्ज करेगा जब आप अर्निंग कर लोगे, सही ठीक है। है तो वो इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं खास, लेकिन उसका फीचर बहुत ज्यादा है। ये चीज सही है, ये 2 टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फाइबर पे। जी। अच्छा अरसलान भाई, समटाइम्स ये तो होगी इनकी ऑप्टिमाइजेशन की, हम लोगों ने बात की, प्राइसिंग की बात की। अरसलान भाई समटाइम्स ये होता है कि क्लाइंट आता है बाज़ औकात और क्या करता है कि हमसे बहस करके, जब हम लोग उसे कस्टम ऑफर देते हैं, अगर कोई क्लाइंट कह कह ले कि यार आ ही गया है हमारी डीएम के अंदर, तो हम लोग जब उससे कन्वर्सेशन करते हैं, तो एट दैट टाइम मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं ये न्यूबी के, वो खो देते हैं, क्लाइंट को लूज कर देते हैं, या उनसे जो डीएम है या जो अपना क्लाइंट है वो क्लोज नहीं कर पाते। तो एट दैट सिनेरियो आप क्या कहेंगे कि एक्चुअली में कुछ कम्युनिकेशन टिप्स अगर देना चाहें ऑडियंस को तो? अच्छा, कम्युनिकेशन टिप में ना हम लोगों में जो पाकिस्तानियों में है वो ना बहुत क्लाइंट के सामने ऐसे बन जाते हैं जैसे हम लोग बहुत एक मजलूम इंसान है और बहुत एक ना जैसे गरीब हैं। हमें आपने काम नहीं दिया तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलना। ये थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, किसी को गुस्सा लगे तो सॉरी। जी जी आपने बिल्कुल क्लाइंट के सामने बात करनी है अपनी स्किल के बेस पे। क्लाइंट को आपके स्किल्स की जरूरत है, आपको उसके पैसों की जरूरत है, सीधी सी बात है। क्लाइंट आपके पास प्रॉब्लम लेके आया, उसको टू बी पॉइंट। मैंने आज तक क्लाइंट को कभी सर नहीं कहा, मैंने कभी मैम नहीं कहा। मैं क्लाइंट के नेम से उसको पुकारता हूँ, वो जो बात करे उसका सीधा आंसर करता हूँ, बस। थर्ड चीज, आपने नहीं क्लाइंट से पूछने बैठ जाना कि आपका मेन बिजनेस क्या है, ठीक है, प्लीज मुझे वर्क दे दें। मैं इस काम के लिए बहुत बेस्ट हूं। नहीं, क्लाइंट, मैं सीधा बता रहा हूँ ना कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है एक प्रॉब्लम लेके। क्लाइंट के पास प्रॉब्लम है, उसकी वेबसाइट में थीम इंस्टॉल नहीं हो रहा, ठीक है। आपने कहना है मुझे वेबसाइट का लॉगिन शेयर करें, जो भी है, जो भी आपको इशू समझ लग रहा है उसको को इसमें ये इशू है, HTML का इशू है या cPanel का इशू है या होस्टिंग का इशू है, उसको बताओ। उसको ये चीज़ें मैं इतनी देर में आपके लिए फिक्स कर सकता हूँ। क्लाइंट आपके पास बिल्कुल आपका ही है, ठीक है। हाँ, कुछ क्लाइंट होते हैं जो सिर्फ आपसे डिस्कशन के बेस पे आते हैं। इसमें मैं एक दो आपको बता देता हूँ कि आपने कोशिश करनी है पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम नहीं करना फाइबर पे। ओके दूसरा, इंडियन के साथ भी आप अगर बच सकते हैं तो बच जाएं, लेकिन इंडियन पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो रहे हैं। एशियन क्लाइंट के साथ आपने काम नहीं करना। निजेरिया आ गया, ये कंट्रीज हैं। अगर किसी की फाइबर प्रोफाइल चल रही है, ये आपकी प्रोफाइल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और दूसरी आपने चीज़ है कि जो क्लाइंट प्राइस पे बहस करे ना, उसके साथ भी आपने काम नहीं करना, क्योंकि इस तरह के क्लाइंट होते हैं आपको बहुत तंग करते हैं। लाइक एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने 10 थंबनेल या 10 वीडियोज आपसे बनवानी है, ठीक है, और वो कह रहा है कि आपकी $500 का पैकेज है, मुझे $100 में दे दो। ये आपने नहीं करना। जो क्लाइंट आपके स्किल सेट की वैल्यू नहीं समझता, आपने उसके साथ काम नहीं करना, शुरू में भी नहीं करना, ठीक है। शुरू में भी नहीं करना कि लाइक हम कहते हैं ना कि शुरू में है तो प्राइस, शुरू में भी वो आपकी प्रोफाइल को बैड इम्पैक्ट दे देगा। जी अरसलान भाई, कम्युनिकेशन पे हम लोगों ने बात कर ली, ऑप्टिमाइजेशन पे बात कर ली, एडवर्टाइजमेंट पे बात कर ली, एंड फोर्थ वन थिंग जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं अरसलान भाई वो है ये है कि रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ओबियसली ये हम जो प्लेटफॉर्म्स है, हम लोग एज अ वर्कर पे काम करते हैं, हमारी कोई अजारादारी नहीं है, क्योंकि हमारी ये खुद की वेबसाइट नहीं है, ना खुद का अपना एसेट है। सो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइक लिंक्डइन, लाइक अपवर्क। सो फाइवर के मामले में आप रिस्ट्रिक्शंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग इसका किस तरह उससे उनसे प्रिवेंशन ले सकते हैं? जी अरसलान भाई, देखें फाइवर पे जो बंदा काम कर रहा है ना, उसको ये चीज़ तो समझ लेनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म आप इस पर रिले नहीं कर सकते। एक अकाउंट की बात करूँ, जो एक अकाउंट जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका मॉड्यूल लग गया, ठीक है। फाइवर किसी भी टाइम आपका एक क्लाइंट आपको बैड मिल गया, वो आपकी प्रोफाइल तबाह कर सकता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक क्लाइंट आपको बैड मिल गया, वो आपकी प्रोफाइल तबाह कर सकता है। अब इसका जो मैं सोल्यूशन बताता हूँ, वो बताता हूँ मल्टीपल प्रोफाइल, ठीक है। अगर कोई मैनेज कर सकता है वो मल्टीपल प्रोफाइल की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है इसका सोल्यूशन ही नहीं है। फाइबर को हल्का सा डाउट हो रहा है कि आप एक इंटरनेट पे दो डिवाइस आपके अकाउंट चल रहे हैं, वो आपको ब्लॉक कर देगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपने ना स्ट्रेस लेना है, ना दिमाग पे सवार करना है, और ना ही अपने ऊपर बहुत हावी कर लेना है क्लाइंट बैड फीडबैक देगा, क्योंकि जहाँ पर आपका रिजल्ट जितना लिखा है वहां से उतना आपको मिल जाना है। जस्ट मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप अपने काम के साथ मुखलिस हों। आपके पास क्लाइंट आते हैं, जितना उसने वर्क मांगा है आप दो। यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता उनको, उनको बस इतना पता होता है, किसी ने गाइड किया होता है कि सर आपके बिजनेस के लिए ये वेबसाइट की ज़रूरत है, जाके वेबसाइट बनवा लें। वो घूमता घूमता आपके पास आ जाते हैं, आप उसको वेबसाइट बना के दे। अगर उसको 5 फीचर्स का पता है ना, आपको पता है वेबसाइट के लिए 5 नहीं 10 फीचर ज़रूरी हैं, आप 10 बना दो। कम से कम आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि आप जो कमा रहे हो वो हलाल है, ठीक है। जब तक आप अपने साथ मुखलिस हैं तो आई एम श्योर कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन फाइबर का ये रिस्क है कि वो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। उसके लिए सोल्यूशन है कि आप मल्टीपल प्रोफाइल की तरफ जाएं। जैसे ही आपकी एक प्रोफाइल रैंक होती है, अब दूसरी भी बनाएं, किसी भाई के नाम पे, बहन के नाम पे, किसी के नाम पे। तो अरसलान भाई, अब फाइवर में जो रिस्ट्रिक्शंस है, एक तो आ गई आईपी डिटेक्शन के, लाइक अगर सेम ब्राउजर पे आप, क्योंकि वो कुकीज के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है कि आप ना एक ही ब्राउजर पे मल्टीपल प्रोफाइल्स रन कर रहे हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम लोग अगर कुछ लाइक आउटवर्ड लिंक वगैरह शेयर करते हैं, या कह लें कि समहाउ कुछ आउटबाउंड्स जो हमारे प्रोफाइल्स हैं, या कुछ वो चीज़ जो फाइवर से हटा के क्लाइंट को कहीं और पे लेके जाए, सो वो चीज़ें शेयर करने पे भी फाइवर रिस्ट्रिक्ट करता है। तो और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे फाइवर पे रिस्ट्रिक्शंस पड़ती है, तो काइंडली वो भी एलैबोरेट करते हैं। अच्छा, फाइवर पे जो क्लाइंट के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, जो आपने बताया कि आउटबाउंड लिंक शेयर करना, वाकई आप नहीं शेयर कर सकते। क्लाइंट को आप हार्श लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते। इवन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरी भी मिस्टेक है, मैंने गाली दी थी और मेरा क्लाइंट, उन्होंने अकाउंट उड़ा दिया था। क्लाइंट को मैंने गाली दी थी, मेरा अकाउंट उड़ा दिया था उन्होंने। ये मतलब ये एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं। मेन टू से आप जी क्लाइंट जी के साथ हार्श लैंग्वेज में नहीं यूज कर सकते, आपने बाहर नहीं क्लाइंट को लेके जाना, ये भी चीज़ है। ईमेल आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि ईमेल की मोस्टली लोड पड़ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप फाइबर क्लाइंट को ना फाइबर पे ही रखूँ क्योंकि हम भी सेफ रहते हैं, जी ठीक है। और एक चीज़ दो नंबरी में भी आ जाती है कि एक फाइबर आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपको बिजनेस दे रहा है और आपके उसके साथ दो नंबरी कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को खुद ही अच्छा नहीं समझता। थर्ड चीज़ इसमें आ जाती है आईपी डिटेक्शन की। फोर्थ, आप एक डिवाइस पे भी ज़्यादा अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई खास इतने रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। कुछ निचीज़ हैं जो बैन है, जैसे एकेडमिक वो निचीज़ बैन है, यूट्यूब प्रमोशन वगैरह वो बैन है, ठीक है। और असाइनमेंट वगैरह वर्क इस तरह के ना कुछ निचीज़ बैन है, उनसे भी आपने ना परहेज करना है काम करने से। जी। तो अरसलान भाई ये तो हमारा हो गया कि SH आपने वर्बली माशाल्लाह इतना अच्छा हमें गाइड किया। तो आप हमें क्या कुछ प्रैक्टिकली कुछ टिप दे सकते हैं, अगर आपके पास कुछ टूल्स हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं, या समहाउ कुछ चीट शीट्स हैं जिनसे हम लोग कुछ जान सके कि एक्चुअली में हम लोगों को किस तरह पर फाइवर को लेके चलना चाहिए, या कुछ आप मेथड्स हमें बता सके ऑडियंस को ताकि वो जान सके कि हाउ नाउ उन्हें हो सके कि एक्चुअली में फाइवर को किस तरह लेके जाना है या किस तरह ऑप्टिमाइजेशन करनी है। जी हाँ जी, अरसलान मुझे स्क्रीन शेयर की ऑप्शन नहीं है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस जी चीज़ के बारे में बताता हूँ। जी श्योर अरसलान भाई, ये अभी तक डिसेबल है स्क्रीन शेयर। मैं कर रहा हूँ अरसलान भाई। दरअसल ना इधर आवाम बड़ी खतरनाक है तो इसीलिए मैं अलाउ नहीं करता। जी बहुत जी शुक्रिया। अरसलान भाई मैंने कर दिया स्क्रीन शेयर, आप कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी में मुझे 3 साल हो गए, आई नो दैट कि किस तरह के लोग हैं। मैंने बताया ना पाकिस्तान वालों ने। अच्छा मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है अरसलान भाई, थैंक यू। अच्छा, फाइबर में मोस्टली चीज़ें तो आपने वर्बली कवर कर ली हैं, ये मैंने भी थोड़ी सी आउटलाइन बनाई थी अभी 1 मिनट पहले। जी जी इसमें फाइबर क्या है, मार्केट प्लेस है, वो मैंने कवर कर दिया। कीवर्ड सर्च के मेथड हैं जो मैं अभी बताऊंगा। गिग क्रिएशन, गिग में ऑप्टिमाइजेशन की कुछ 2-3 चीज़ें हैं, वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है। और रैंकिंग का मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हुई हैं। खैर, अभी एक न्यू पर्सन आए हो, आपको फाइबर के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। ओके आपने कीवर्ड सर्च करना है, आपकी जो मेन स्किल है ना, आपने यहाँ आके उसका वर्ड टाइप कर देना है, आपकी एसईओ मेन स्किल है। मेन स्किल के बाद आपने स्पेस दे देनी है। ये कोई वो मैंने बताया ना कि गूगल वाला मामला नहीं है कि लॉन्ग टर्म आपने कीवर्ड सर्च करना है। क्लाइंट कभी भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कीवर्ड सर्च नहीं करता। इसको सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको गूगल ना समझे। जिन लोगों ने आपको कहा है ना कि फाइवर सर्च इंजन है, वो नहीं है, ये मार्केट प्लेस है। क्लाइंट आता है वो 2 या मैक्सिमम 3 वर्ड तक जाता है, वरना 2 वर्ड से ऊपर नहीं जाता। अब एसईओ है, एसईओ के कीवर्ड सर्च करेंगे, आपने एसईओ लिख के यहाँ पे स्पेस ऐड कर देनी है। आपके पास ये कीवर्ड शो होना शुरू हो गए हैं। अभी आपको पता चल रहा है कि ऑन पेज एसईओ है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ में भी आप जा सकते हैं। एसईओ के बाद कीवर्ड सर्च है, वेबसाइट एसईओ है, एसईओ फॉर गूगल है। ये मैंने वही बात की थी कि क्लाइंट का डिफरेंट माइंड सेट होता है। अभी इसका एक दूसरा है, यहाँ पे भी आप स्पेस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप मिल जाते हैं। ये देखें एसईओ ऑडिट आ गया है। अब जो जो आपको कीवर्ड समझ में आ रहा है ना, आपने ओपन कर देना है। जैसे ही आपने ओपन करना है, आपने 3 से 4 चीज़ें इस कीवर्ड में देखनी है। ये एक एक्सटेंशन है जिससे ना आपको ऑर्डर इन क्यू शो हो जाते हैं, फाइबर क्विक। ये लगा लीजिएगा, ये गूगल से ही आपको मिल जाएगी अच्छा क्योंकि अरसलान भाई, कुछ इससे क्या होता है? काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। ये फाइबर क्विक एक्सटेंशन है, आप इंस्टॉल करेंगे ना, आपको जी 3-4 चीज़ें हैं ना जो ये वाली ये हम बाय कीवर्ड के शो हो ऊपर जाएंगी। सही ये है माशाल्लाह, टैग्स, सही। ये टैग्स हैं, ये ऑर्डर इन क्यों हैं, ये गिग ओके फेवरेट्स हैं, ये जी टोटल प्रोफाइल पे रिव्यू हैं, ठीक है। ओके और ये कंट्री शो हो रही है, जी ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये कुछ कैटेगरी में ना फाइबर ने हाइड कर दी हैं। ओपन भी करोगे ना तो आपको ऑर्डर इन क्यू शो नहीं होंगे। ये देखें, आपको नहीं पता चलेगा कि इस कीवर्ड में कितना पोटेंशियल है। आपने सबसे पहले कीवर्ड ओपन करना है। कीवर्ड जो आपको कीवर्ड अच्छा लगेगा वो आपने ऐसे ही ऑन कर लेना है, सॉरी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने 3 से 4 चीज़ें देखनी है। उसमें सबसे पहले आपने देखना है सर्च रिजल्ट, अच्छा वो तीन अरसलान भाई, हजार हो। सॉरी यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ। अगर ये जो हम लोग एक्सटेंशंस हैं या जो दूसरी चीज़ें लगा रहे हैं, क्योंकि लिंक्डइन भी जो है वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन टूल्स वो अलाउ नहीं करता, तो एट दैट सेम टाइम जो फाइवर है, क्या अगर हम लोग जो थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ करेंगे तो कहीं हमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं पड़ेगी? तो इसके अच्छा बारे में थोड़ा सा। अहमद भाई, यहाँ पे देखे ना कि यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट लॉगिन है। कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है। ये देखें, सही है जी, मैंने उस ब्राउजर में सर्चिंग करनी है जिस ब्राउजर में मेरा कोई अकाउंट लॉगिन ही नहीं है। लॉगिन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसमें आप जो मर्जी करते जाएं, फाइबर को आप पता ही नहीं है आप कौन है कौन नहीं। ठीक है, ये तो आप अपनी एक इलनेस के ये कील यूज कर रहे हैं जी। ना। खैर, इसमें 3-4 चीजें हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपने कंपटीशन देखना है, 3 से 5 हज़ार हो, मैं रिकमेंड करता हूँ। दूसरी ओके चीज आपने देखनी है जो लोग नहीं देखते, कि जिन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है उनके रिव्यूज और उनका लेवल कितना है। ये आप देखें ना, टॉप रेटेड बंदा बैठा है, लेवल 2 बैठा है, हम्म, टॉप रेटेड प्रो बैठा है। ठीक है, अब अगर तो पहले पेज पे सारे बंदे मोस्टली सेलर लेवल 2 के आ रहे हैं या टॉप रेटेड आ रहे हैं, तो उस नीच को आपने स्किप कर देना, बेशक वो 1 हज़ार कंपटीशन भी हो। ठीक है, अगर उस पे सही आपकी है गिग रैंक कर भी रही है तो आपको ऑर्डर कम ही आएंगे, क्योंकि आपके पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी आप बीट कर सकोगे उनको। जब आपको 5-10 दिन ऑर्डर नहीं आएंगे तो आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी। थर्ड चीज़ आपने देखनी है ऑर्डरिंग क्यू। अभी ये जो नीच अभी मैंने रैंडमली खोली, ये इतनी कोई खास नीच नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डरिंग क्यू इसमें कम है। ठीक है, आप पहली 3 गिग देखें, सिर्फ एक में ऑर्डरिंग क्यू है, सो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें अब एक्सटेंशन के बारे में मैं थर्ड चीज बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना टैग्स, ये 5 टैग्स है ना जो मेन, जब आपने गिग अपनी बनानी है तो ये वाले 5 टैग्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सिंपल, मैं यही करता हूँ और मेरे लिए वर्किंग है। ये एक्सटेंशन बता रही है कि ये वाला जो पहले पेज पे जितनी गिग शो हो रही हैं, ये टैग्स उनमें से 25 बार यूज हुआ है। ठीक है, ओके ये 15 बार यूज हुआ है, ये 12 बार। मीन टू से है कि आप अगर ये 5 टैग यूज कर लोगे तो आपकी गिग टैग से मामले में फुली ऑप्टिमाइज है। ठीक है, अब कीवर्ड सर्च का दूसरा मेथड है। एक तो ये वाला मैं बता दिया, दूसरा मेथड है ये देखें सजेशन दे रहा है फाइबर। ये वो सजेशन हैं जो क्लाइंट सर्च कर रहे हैं। ठीक है, या स्कीमा मार्कअप, अभी मुझे नहीं पता था हम स्कीमा मार्कअप की तरफ जाना चाहेंगे। ये देखिए स्कीमा मार्कअप आ गया, ये आपने ओपन कर लिया, यहाँ से आपको कीवर्ड मिलेंगे। इसका कोई टूल नहीं है कि कीवर्ड आपने कहाँ से लेने हैं, कोई आपने लॉन्ग टर्म नहीं जाना। लोग क्या करते हैं, कीवर्ड लेके आ जाते हैं डू स्कीमा मार्कअप, मतलब 4 से 5 वर्ड का कीवर्ड लेके आ जाते हैं जो फ्री। अब ये कीवर्ड पे लोग गिग बनाई होती है, गिग कीवर्ड्स पे होता तो एक्चुअल यही टारगेट है, लेकिन जो न्यूबीज होते हैं वो इस तरह का लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं। उसमें उनको 200-300 गिग शो हो रही होती हैं और उस पर रैंक करके वो कह रहे होते हैं हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, तो एक्चुअली वो कीवर्ड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लाइंट जो कीवर्ड सर्च करता है वो इसी तरह के कीवर्ड हैं। जैसे ये देखें एचटीएमएल साइट मैप आ साइड गया, मैप, सही ये है ये चीज है, आपने इस तरह कीवर्ड फाइंड करने हैं। ये देखिए 8 रिव्यूज हैं इस बंदे के गिग पे, और ये फाइवर चॉइस बैज लेके बैठा हुआ है। ठीक है, 8 रिव्यूज हैं टोटल। जस्ट क्या है, उसने एग्जाम साइट में ओपन कीवर्ड फाइंड किया और उसमें वो बंदा एक्सपर्ट है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा अरसलान भाई, यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगा, सॉरी जी टू से। सो अरसलान भाई, यहाँ पे जो फाइवर चॉइस है इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा, क्योंकि ये टर्म तो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई थी। ऑब्वियसली अब जो स्क्रीन पे आई है ऑन द स्पॉट, तो काइंडली इसके बारे में गाइड कीजिएगा, ये कैसे मिलती है लोगों को और इसका कोई क्राइटेरिया है एज सच, या लोग किस तरह इसे गेट कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना पड़ती है या क्या चीज़ है जी अरसलान। अच्छा, फाइवर चॉइस, ये कौन लाइनें लगा रहा है स्क्रीन पे? गाइस जो लाइनें लगा रहा है उसकी मैंने छुट्टी करवा देनी है, फिर ये चाहे मुझे अब्बे नु लेके आ जाए या अम्मी नु लेके आ जाए, मैं गाइल उसको मुझे नहीं आने पता भी देना। नहीं यार, मुझे पता नहीं है ये कैसे रिमूव करनी है, तो काइंडली खुद ही रिमूव कर दे। अरसलान भाई मेरे ख्याल से मैं अपने एंड पे चेक करता हूँ, अगर मुझे पता होगा किस तरह होना है। ये यहाँ पे आ रहा है, वैसे मुझे पता नहीं है अरसलान भाई, क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं है। आप ना इस ये तरह करें, पता नहीं। यार अगर किसी को पता है काइंडली इधर से बताइएगा चैट में कि यार इसे किस तरह रिमूव करना है। यार मुझे हाँ बस ठीक है, हो गया है। चलो रिमूव कर दिया जिसने करना था, ठीक है अच्छा ठीक है, शुक्रिया यार जिसने भी किया। अच्छा, फाइवर चॉइस ना अभी मुझे रिसेंटली मिला था 1 गिग पे और मैंने ही रिमूव किया। ये एम कासिम नेम से है जो बंदा लाइनें लगा रहा है। कासिम भाई। फॉर यू पे आप जाने लगे हैं माशाल्लाह, अब कोई कसूर नहीं मेरा ठीक है। बेटा, आप तू अच्छा, ना उधर यूट्यूब पे चेक करी मुझे। चलो फाइवर भाई चॉइस जो बैज है ना, ये गया वो सिंपली रैंडमली मिलता है। ठीक है, जी, इसका कोई फाइबर ने क्राइटेरिया एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। लोगों का एक्सपीरियंस है। हम जो करते हैं, मैंने मैनुपलेट करता हूँ। ठीक है, मैनुपलेट हम इस टर्म में करते हैं कि हम तो वीवीआरओ लगाते हैं और हमें उससे मिलता है, ठीक है। लाइक हम ये सिंपल, इसका जो क्राइटेरिया, आप क्लाइंट को एक कैटेगरी है ना, एक कैटेगरी में एक बंदे को फाइवर चॉइस बैज मिलना है, ठीक है। और ये ओके उस सही बंदे को है। मिलना है जो सबसे ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, जिसके पास क्लाइंट भी ज्यादा जा रहे हैं और वो सब क्लाइंट का अच्छा वर्क कर रहा है, रिपीट क्लाइंट मिल रहे हैं उसको। प्राइवेट फीडबैक एक टर्म है, शायद मोस्टली लोगों को ना पता हो या कुछ लोगों को पता भी हो। वो हम्म अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स रेट उसका मतलब मीन टू से अगर वो अपनी तरफ से 100% दे रहा है, 100% क्लाइंट को मिल रहा है, तो उसको फाइवर चॉइस बैज मिल जाएगा। ये इसका कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 10 ऑर्डर लग जाएंगे तो क्राइटेरिया। हाँ, वीवीआरओ से आप ले सकते हैं जब आपको ये 8-10 ऑर्डर रेगुलर लगा रहे हैं, उसमें एक में ज्यादा ऑर्डर आपके पास है, तो फाइवर आपको फाइवर चॉइस बैज दे देते हैं। इसके लिए अच्छा परेशान अरसलान नहीं है भाई, आपने। अब यहाँ पे अदर थिंग मैं पूछना चाहता हूँ। फीडबैक से मुझे याद आया कि लाइक अगर रियाज अहमद भाई, यार मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ ब्रदर, वरना मैंने आपको भी किक आउट कर देना, सॉरी टू से दैट। जी जी अच्छा अरसलान भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में अगर कोई बंदा लाइक अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, सपोज करें एक्सएमएल साइट में आपके ऊपर ही हमें ऑर्डर समथिंग किया, सो विद पैसेज ऑफ टाइम या फिर अगर हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं तो हमें क्या करता है कि वो हमसे ब्लॉग 10 लिखवा लेता है एक टाइम पे, फिर कुछ देर बाद आता है आफ्टर क्वाइट अ मंथ या सम टाइम, तो वो हमसे फिर ऑर्डर लगवाता है, फिर फीडबैक देता है। तो क्या एक रिपीटेड बायर अगर बार बार फीडबैक दे रहा है तो एज सच फाइवर इससे बैन करेगा हमें, या क्या इसका सीन होगा, तो फाइवर इसके बारे में? फाइवर इस चीज को अच्छा समझेगा। ओके फाइवर एक चीज वो, अगर आपको एक क्लाइंट ऑर्डर दे के जाता है, कुछ देर बाद वो आपके पास फिर रिटर्न आता है, ऑर्डर देता है। फाइवर के एल्गोरिथम में ये एक चीज बहुत अच्छी समझी जाती है। अगर एक कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है, अगर वो अगेन आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है बहुत ज्यादा। अगर वो 10 ऑर्डर भी दे रहा है, उससे कोई मसला नहीं है। 20 भी दे रहा है। अभी मेरे पास एक गिग है, गेस्ट पोस्टिंग के नीचे में है, उसमें 24 रिव्यूज हैं और 24 में से 17 रिव्यूज एक क्लाइंट के हैं। कोई इशू नहीं है, मुझे रैंक है, ठीक है। इस चीज का आपने कोई इशू नहीं लेना कि क्लाइंट जितनी बार भी आ रहा है आप पकड़ें, उसको कोई मसला नहीं है। कोशिश सही है करें कि आपके पास रिपीट क्लाइंट आए, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। अच्छा, मैं ना जी ऑप्टिमाइजेशन में एक दो चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ गिग की, अभी लेन में आ जी गए। आपने ना गिग में जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है ना, वो टाइटल की भी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, और डिस्क्रिप्शन में जब आपने अपना मेन कीवर्ड है वो 3 से 4 बार यूज करना है। मोट 3 बार यूज कर लें, इनफ है, ठीक है। ये 2-3 चीजें रह गई थी। जी और जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड हैं, उनको आपने 1-1, 2-2 बार यूज करना है डिस्क्रिप्शन में। ये फुल आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। ये जी यहाँ पे जी कोई कीवर्ड स्टफिंग वाला सीन नहीं है कि आप हम्म हम्म कीवर्ड स्टफ कर दोगे। ये वो आपने 3-3 बार यूज कर दें, बहुत है। 2 बार सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर दें। अब जो मेन चीज है पैकेजेस, यहाँ पर आपने पैकेजेस में अपना कीवर्ड यूज करना है। ये देखिए, ये भी गिग पे रैंक नहीं है, ये bot.txt पे भी रैंक है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड यूज करना है पैकेजेस के डिस्क्रिप्शन में। लोग यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है। ओके 3 पैकेजेस में यूज करने हैं, ठीक है। ये देखें, वेबमास्टर टूल्स में उसने यूज किया हुआ है। एक उसने सर्च कंसोल ऑप्टिमाइजेशन किया है और एक उसने किया है। लेकिन मेरी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है, मैं तीनों में एक ही कीवर्ड यूज करता हूँ। लाइक इसमें अगर मेरे पास 3 कीवर्ड होते तो मैं इसमें सर्च कंसोल भी ऐड करता, robots.txt भी ऐड करता और वेब मास्टर टूल भी ऐड करता, और इसमें भी ऐसे करता। आपने अपने पैकेजेस में लाल में कीवर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। लास्ट चीज है इसकी ऑप्टिमाइजेशन में FAQs। FAQs आपने लाजमी ऐड करने हैं। इस भाई ने किए हैं या नहीं किए, आपने लाजमी ऐड करने हैं। शायद किए भी हों इन्होंने ऐड, आपने लाजमी ऐड करने हैं। क्योंकि जब आपकी गिग न्यू आती है ना, फाइवर को आपका टेक्स्ट ही सिर्फ बता सकता है कि आपकी गिग किसके बारे में है। आपने हर FAQ में एक डिफरेंट कीवर्ड टारगेट करना है। 10 आप FAQs ऐड कर सकते हैं, आप 5 से 6 ऐड लाजमी करें और हर FAQ में डिफरेंट कीवर्ड ऐड करें। आपका एक FAQ अगर सर्च कंसोल ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड है, दूसरा आपका वेब मास्टर टूल के रिलेटेड हो सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं लाजमी करता हूँ। ये भी आप लोगों ने लाजमी करनी है ऑप्टिमाइजेशन में। क्लियर है यहाँ तक, मुझे जी जी बताइएगा। जी जी क्लियर अरसलान, ये चलिए गिग की ऑप्टिमाइजेशन है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। टाइटल बता दिया, इमेज बता दी, डिस्क्रिप्शन बता दी, पैकेजेस और FAQ, इसके अलावा गिग में कुछ नहीं है, ठीक है। कीवर्ड फाइंड करने का मैंने आपको मेथड बता दिया। ये देखिए, अब आपके सामने ब्रोकन लिंक्स आ गया कीवर्ड। जी ये जी वो कीवर्ड्स हैं जो क्लाइंट सर्च कर रहे हैं। आपने ये टैग से कीवर्ड उठाने हैं और 3 कीवर्ड आपने उठा के ना उस पर गिग बना देनी है। मेन एक कीवर्ड हो, दो आपके सेकेंडरी कीवर्ड हो। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो है रैंकिंग। रैंकिंग के लिए कीवर्ड सर्च हो गया, गिग क्रिएशन भी ऑलमोस्ट हो गया है, गिग ऑप्टिमाइजेशन भी ऑलमोस्ट क्लियर है। इसमें टाइटल में 3 कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन। लास्ट पे आ जाती है गिग रैंकिंग। ऑनलाइन में इसमें रहने की जरूरत। अच्छा, गिग रैंकिंग 2 वे से हैं। एक तो वो लोग हैं, वो लोग नहीं है, सभी वो लोग हैं कि जो ऑर्गेनिक रैंक करना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए इसके अलावा और कोई वे नहीं है कि आप अच्छा ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रेंज जितना रह सकते हैं, मिनिमम 18 आवर्स में रिकमेंड करता हूँ। वो आप मैनुअल रेंज तो बेस्ट है, वरना उसके लिए ऑटो क्लिक का नेम से एप्लीकेशन आती है, मोबाइल में आपने लगानी है, आपने पीसी में नहीं लगानी। पीसी में डिटेक्शन हो जाती है, आप ऑटो रिफ्रेश लगाएंगे, वो कुछ टाइम बाद ऑटो रिफ्रेश करेगा, वो डिटेक्ट हो जाती है। आप मोबाइल में लगा सकते हैं, वो आपकी एवरी टाइम ऑन रख सकते हैं मोबाइल। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनिक रैंकिंग में कि आपकी नीच सबसे अच्छी हो, ऑनलाइन आप ज़्यादा रह रहे हो, और आपकी इमेज और जो ऑप्टिमाइजेशन, ये 2-3 चीज़ें जो ऑर्गेनिक रैंकिंग में आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है। और वीडियो जी 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 सॉरी, यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ मैं। ऑनलाइन के में रहने के मतलब मेरा क्वेश्चन है कि लाइक अगर एक बंदा अपना जो फाइवर का टैब है या गीग वगैरह का प्रोफाइल का जो टैब है वो खोला ही छोड़ दे, ठीक है, खुला ही छोड़ दे, उसने खुला ही रखा हुआ है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड वो सेकंड ब्राउजर पे अपना काम कर रहा है, तो क्या जो उसके जो प्रोफाइल है वो एज इट इज ऑनलाइन शो होगी या हमें उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा विद सम टाइम, या इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा कि क्या। अगर आप 3 से 4 मिनट फाइवर के टैब में कोई एक्टिविटी नहीं करते तो वो आपको ऑफलाइन शो करवाना शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने सिर्फ ऑनलाइन रिफ्रेश नहीं करना, आपने उस पर प्रॉपर एक्टिविटी शो करवानी है। तो ठीक है। अब हर बंदा सारा दिन तो खैर अपने जो टैब्स वगैरह उन्हें तो स्क्रॉल नहीं कर सकता ना, उस पर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, तो इन टर्म्स ऑफ पीसी उसे क्या करना चाहिए? आप मोबाइल में ऑनलाइन रहें, सबसे बेस्ट वे है। मोबाइल पर सलाम भी खाली डाटा वगैरह या वाईफाई कनेक्ट होने से वो एज इट इज ऑनलाइन शो होता रहेगा जी। मोस्टली मोबाइल, हर बंदे की आदत है ना मोबाइल यूज करना जी। तो अगर वो टिकटॉक देख रहा है तो 2 मिनट बाद आके अगर अपना फाइवर ऑन करके रिफ्रेश कर देगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फाइवर ओपन करके बैठे रहें, रिफ्रेश करते रहें, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन होती रहती है। 4-5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपने ओपन करनी है, तो वो आपकी ना थोड़े दिन आप करेंगे ना तो आदत बन जाएगी सब लोगों की। जब वहां से डॉलर आएंगे ना, आप लोगों ने फिर टिकटॉक छोड़ के सिर्फ फाइवर ऑन किया करनी है। सही बात, ये सीन है जी। अरसलान भाई कंटिन्यू कीजिएगा, थैंक यू। यहाँ तक है फाइवर। जो वीवीआरओ का मैंने आपको सिंपल वे बताया कि वो फेक रिव्यूज हैं। ऑर्गेनिक फाइवर इतना ही है। इसके अलावा जो आप चीज़ें जाते हैं, मैं एक आपको और चीज़ बताता हूँ। अगर कुछ लोग वर्क कर रहे हैं वो ना बैकलिंक्स की टर्म में अदर लैंग्वेज के बैकलिंक्स की तरफ जाएं। ये आप नीचे समझें, जैसे ये देखें जर्मन बैकलिंक्स। सही है। यानी कि रीजन स्पेसिफिक लिंक बैकलिंक्स जिन्हें कह रहे हैं जी, आप लोग एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो जी। अरसलान भाई ये देखिए डच बैकलिंक्स जी जी। ये आप गिफ्ट ही समझें गेस्ट पोस्टिंग वालों के लिए, इनमें बहुत काम है, बहुत ज्यादा। एक क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म आपके साथ चलते हैं। अरसलान भाई पहले बड़े पैसे कमा रहे हैं हमारे गेस्ट पोस्टिंग वाले लोग। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, और कमा लेंगे। ठीक है। ये जी खैर ये चीज़ें कि थोड़ा सा ना आप, मैं सबको सजेस्ट करूंगा। ये देखे फ्रेंच बैकलिंक्स, ये अभी फ्रेंच का मुझे भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ जर्मन का पता था, स्पेनिश का पता था। ये देखें ब्राजील बैकलिंक्स। ये अच्छा, इतनी निचीले हैं आप लोग के, बहुत हैं जी जी। आप क्वेश्चन करेंगे जी। अच्छा अरसलान भाई, यहाँ तक तो आपने माशाल्लाह सारा ईच एंड एवरीथिंग फाइवर की हमें कवर की, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑन द अदर हैंड अरसलान भाई, ऑडियंस में से एक भाई का क्वेश्चन था कि लाइक पेमेंट गेटवे फाइवर का, सो एक्चुअली में फाइवर कितने दिनों बाद पेमेंट रिलीज करता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, और कौन कौन सी बैंकिंग हम लोग अटैच कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान में रहते हुए हमें क्या जो डिफिकल्टीज हैं वो क्या फेस करना पड़ती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, थैंक यू। अच्छा, आपके पास एक ऑर्डर आता है ना, तो फाइवर उसको पहले कंप्लीट करने के बाद 14 डेज आपकी पेमेंट होल्ड रखते हैं। 14 डेज के बाद आप उस पेमेंट को अपने बैंक में विड्रा कर सकते हो। बैंक आप नहीं लगा सकते, आप पायनियर अकाउंट लगा सकते हो। इसके अब 2 ऑप्शन है। अगर तो आप थोड़ा सा वेट कम करना चाहते हैं तो फाइवर ना एक सेलर प्लस का फीचर देते हैं आपको, हर अकाउंट पे मिलता है। $19 आपने ना फाइवर को हर मंथ पे करने होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, जिसमें आप अपनी पेमेंट 7 डेज के अंदर अपने बैंक में ले सकते हैं। ये सेलर प्लस है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मोस्टली मेरे अकाउंट्स पे एक्टिव ही होता है। इसमें ये देखें ना, वैसे 14 डेज है नॉर्मली, लेकिन ये फास्टर विदड्रा ऑप्शन आपको देता है, 7 डेज में आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। और दूसरी मुश्किल पाकिस्तान में रहते हुए बस यही है कि पाकिस्तानियों ने जिस तरह का काम किया हुआ है, क्लाइंट ट्रस्ट कम करते हैं थोड़ा सा, ये सच है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका भी हाल हम लोगों ने ढूंढा हुआ है, यूके यूएसए के अकाउंट बनाए हुए हैं। ये एक बंदा, मैं आपको बैकलिंक के नीचे में बता, खैर नहीं प्रोफाइल नहीं रिवील नहीं करनी, अरसलान भाई, वो पाकिस्तान किसी का ही की है। प्राइवेसी है जो भी है ना, वो एज इट इज रहने दीजिए। सो किसी का कोई हम लोगों ने नहीं जो भी वो जिसका भी नहीं, रिजल्ट वो अल्लाह मैं पाक नहीं ने बता रहा लगाया ना। हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अरसलान भाई, थैंक यू। यूएसए तो ये जी आप जी यूके की प्रोफाइल बना सकते हैं अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर में है। जी तो अरसलान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक अगर मैं, जिस तरह आपने कहा रिलेटिव्स बाहर हैं या, तो सपोज करें हम लोग पाकिस्तानी जो अकाउंट क्रिएट करते हैं और जो बाहर के रीजन्स के अकाउंट क्रिएट होते हैं, तो अगर वो एज अ सेलर, पाकिस्तानी एज अ सेलर काम करते हैं, तो क्या इनमें एल्गोरिदम का पोटेंशियल डिफरेंस नजर आता है आपको इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, ऑर्डर एक्वायरिंग या इन चीजों में? जी अरसलान भाई, नहीं, टर्म ऑफ रैंकिंग तो मैंने नहीं देखा। कुछ एक टाइम था अपडेट आई थी, तब मैंने एनालिसिस किया था कुछ डेज के लिए, सिर्फ जो रैंकिंग में थे वो एशियन को छोड़ के बाकी दूसरी कंट्रीज के सेलर थे, लेकिन फिर वो ना सेटल आउट हो गया, क्योंकि फाइवर को एट द एंड चाहिए बिजनेस। आप फाइवर को बिजनेस दे रहे हैं ना, तो आपको फाइवर रैंक करेगा, इसका कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के अकाउंट पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जब तक आप वहाँ पे कोई गलत काम नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ क्लाइंट्स का होता है, थोड़े से कुछ क्लाइंट्स से इमेज बना हुआ है पाकिस्तान इंडियन सेलर्स का, तो वो टैकल आउट कर लेते हैं। जब आपके पास ज्यादा रिव्यूज हों, लेवल अच्छा हो, तो फिर क्लाइंट आपका सर्च करते हैं, फिर आप बादशाह हो। जी अच्छा अरसलान भाई, मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक सपोज करें जिस तरह मैं एक ऑफिस में रन कर रहा हूँ, तो मेरे सपोज करें बैकएंड पे इतने सारे पीसीज पड़े हुए हैं, तो हर बंदा अपनी जो डिवाइस पे उस पर फाइवर अकाउंट बना रहा है, लेकिन ऑफिस का जो इंटरनेट है वो तो सेम है, ठीक है। तो क्या इस इन दैट सेंस भी हमारे अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं? तो इसके बारे में गाइड कीजिए। एक सस्पेंड आईपी होंगे पे परमानेंट डिसेबल होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, परमानेंट डिसेबल होंगे वो। यानी कि आपने एक आईपी पे एक अकाउंट ही, एक आईपी पे एक अकाउंट, इसका बेस्ट सोल्यूशन है बहुत। पाकिस्तान में 1500 का पैकेज लगता है सिम पे, जी कॉल जी पैकेज भी तो लगाते हो, वो पैकेज लगाओ, सिम से हॉटस्पॉट ऑन करो, अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है। ठीक है, एक हल ये है। एक दूसरा वे है वो ना मुझे अब मेरी फील नहीं है, वो एक ही इंटरनेट से ना डिफरेंट आईपीज आपको जनरेट करके दे देते हैं। अगर आपके पास एक मॉडेम लगा है ना, जी वो जी इस तरह का वो डाटा क्या उसको कहते हैं मुझे नहीं पता, इस ना वो एक आईपी से आगे डिफरेंट एक डिवाइस लगाते हैं, जिसमें से आगे 7-8 आईपीज जनरेट हो जाती हैं। वो भी आप कर सकते हो, मैंने वो ट्राई नहीं किया, कुछ लोग करते हैं, जी अगर आपको वो इंटरनेट चलाना है वाईफाई वाला। जी जी अरसलान भाई, थैंक यू सो मच, आपने ये हमें गाइड किया, इतनी माशाल्लाह अच्छी टिप्स दी, और रिगार्डिंग फाइवर में काफ़ी अब माशाल्लाह न्यूबीज़ को पता चल गया होगा कि एक्चुअली मैं उनको फाइवर को किस तरह लेके जा सकते हो, और एज अ प्रोफेशनल अपना किस तरह बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। सो अरसलान भाई, अब जिस तरह माशाल्लाह हमें 1 आवर हो गया कंप्लीट, सो आफ्टर कुछ जो हमारे मिनट्स रह गए रिमेनिंग वन, उस पर हम लोग Q&As लेते हैं ऑडियंस से, ताकि उनसे भी इंसाइट्स लेते हैं कि एक्चुअली में क्या सीखना चाह रहे हैं, या उनका अगर कोई क्वेश्चन है एज अ न्यूबी या एज अ एक्सपर्ट, तो वो आपसे वो इंसाइट्स ले सकते हैं। जी नोमिटू भाई, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, अरसलान भाई आपको आंसर देंगे, अगर मेरे एंड पे हुआ तो मैं आपको आंसर दूंगा। जी नोमिटू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई और अरसलान भाई। वालेकुम सलाम। क्लाइंट मतलब हमें एडवांस में पे कर सकता है उस बैकलिंक को प्लेस करने के लिए? जी अरसलान भाई कहाँ पे चले गए हैं? आई थिंक उन्होंने वो म्यूट हो गए हैं। अरसलान भाई मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी अरसलान भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली अगेन। जी शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा बॉस, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है जो गेस्ट ब्लॉगर हैं। इसमें मोस्टली है जो क्लाइंट ना, वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि आप पेमेंट दे रहे हैं, अगर तो आप क्लाइंट को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपने एग्रीमेंट किया था, तो क्लाइंट आपका ऑर्डर कभी भी कैंसिल नहीं करेगा। आप अपना केस सपोर्ट के साथ लड़ भी सकते हैं। ठीक है, आपने क्लाइंट को कहा कि ये वेबसाइट है, ठीक है, ये उसके स्टैट्स हैं, ये डीए है, ये पीए है, ये ट्रैफिक है, सब चीज़ क्लियर है। उसको आपने बता देना है कि ऑर्डर अगर मैंने लिंक लगा दिया तो फिर आपने ऑर्डर इसके पेमेंट बैक की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आप उसके साथ आप प्रॉपर एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर फिर भी क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल करता है तो आप सपोर्ट के साथ अपना रब्ता कर सकते हैं। वैसे मोस्टली मेरी भी एक गेस्ट पोस्टिंग पे नीचे है, क्लाइंट इतना ऑर्डर नहीं कैंसिल करते, अगर कुछ करते भी हैं तो फिर लॉस है ना, वो बिजनेस में है। बिजनेस जब आप कर रहे हो ना तो फिर कारोबार में नुकसान और फायदा साथ साथ है, तो फिर कुछ लॉस भी आप बियर कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखे ना, चलो ठीक है, मैंने जो है ट्रस्ट कर लिया क्लाइंट पर। उसने बोला कि मेरी जो है प्रेस रिलीज देखने को बुलाओ MSN पे या किसी वेबसाइट पे, तो वो एडवांस नहीं भी दे रहा। ठीक है, मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया, मैंने जो है अपने जेब से पैसे उसको दे दिए MSN ऑथर को एडवांस में। उसको मैंने बैकलिंग लगवा के दिया, तो फिर वो अगर ना करेगा तो फिर मैं मतलब क्या वो नहीं बॉस, ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है। फाइव जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट का आपने वर्क तब करना है जब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। एडवांस वाली तो बात ही नहीं है। जब ऑर्डर आपको आ गया, क्लाइंट की जेब से पैसे निकल गए, ठीक है, अब ना मतलब पैसे वो आपके पास हैं ना वो क्लाइंट के पास हैं, वो पैसे फाइबर ने आपके एक्टिव ऑर्डर्स में शो करवाए हुए हैं। ठीक है, क्लाइंट जब पहले आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तब आपने उसका वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, तब आपने लिंक लगवा के देना है। जब लिंक लगवा दिया फिर आपने फाइबर क्लाइंट को अपना वर्क सबमिट कर देना है। वो आपका वर्क देखेगा और ऑर्डर कंप्लीट कर देगा, आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये मतलब वो उसकी तरफ से एडवांस ही होते हैं ये। अच्छा, मतलब वो जब मेरी गिग खरीद करेगा तो उसके अकाउंट में से पैसे जाएंगे जितनी जी मेरी गिग होगी, तो वो एग्जैक्टली बीच में होंगे एग्जैक्टली पैसे। जी, वो इन क्यू में पैसे वो फाइबर के वॉल्ट में भरे होंगे। इट्स जस्ट लाइक अ थर्ड पार्टी। लाइक अगर मेरे अहमद भाई और आपके दरमियान डील हो रही है ना, तो आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपने अहमद भाई पे ट्रस्ट कर लेना है। आपने पैसे अहमद भाई को दे देने और काम मुझे बता देना है, मैंने काम करके आपको डिलीवर कर देना है। आपने अहमद भाई को कह देना है कि काम कंप्लीट करके उनको पैसे दे दो, बस ये चीज़ है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये मुझे थोड़ा मतलब क्लियर नहीं था कि पेमेंट कैसे होती है फाइबर। कंटिन्यू करते हैं, तब तक मैं दूसरे भाई का क्वेश्चन का आंसर दे दूं। जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग लिंक्डइन, सिशान भाई आपने क्वेश्चन पूछा कि यार मेरा अकाउंट लिंक्डइन पे 2 दफ़ा रिस्ट्रिक्ट हुआ, तो किस तरह मैंने अनबैन किया। देखें, यहाँ पे ना 2 क्राइटेरिया, एक आप ना लिंक्डइन की जो सपोर्ट है उसका जो फॉरम होता है ना, वो गूगल पे सर्च करेंगे ना तो वो आपको मिलेगा। वहाँ पे आप लोग अपनी जो डिटेल्स है वो पुट करके जो अपने अकाउंट्स है ना उसको क्या करते हैं, बैन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के लाइक सपोर्ट टिकट क्रिएट करके। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप क्या कर सकते हो कि यार ना लिंक्डइन को जो उनकी सपोर्ट है उनको आप लोग फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, इन 2 जगहों के ऊपर ना आप लोग अप्रोच करोगे तो इंशाल्लाह वो आपका मसला रिजॉल्व कर देंगे। आप लोग को ना कस्टम टिकट वो आपको क्रिएट करके देंगे और विद इन 1-2 डेज आपसे वो जो उनकी सपोर्ट का नुमाइंदा है वो आपको अप्रोच करेगा और इंशाल्लाह वो आपकी ना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा। लेकिन मेक श्योर करें कि आपने कोई पॉलिसी वगैरह उनकी जो वो वॉयलेट ना की हो। ऑन द अदर हैंड क्या ये जो चीज़ें हैं इनको वायलेट ना किया हो, मतलब कैसे लो कि आपने कंटेंट वायलेशन, पॉलिसी वायलेशन और जो आईडी वेरिफिकेशन है वो ईच एंड एवरीथिंग अगर आपकी क्लियर होगी तो इंशाल्लाह वो आपको मतलब ना अनबैन कर देंगे, उसका कोई मसला नहीं है। रुकें, अरसलान भाई ना और आईडी से अरसलान भाई ज्वाइन नहीं कर पा रहे, डोंट नो ने मैंने बोला कि यार किसी और आईडी से आ जाए। आई थिंक सब कुछ ग्लिच हो गया उनकी तरफ से भी। चलें अरसलान भाई आ रहे हैं, आई थिंक वो आ गए हैं। अगर वो अरसलान भाई आए हैं यहाँ पे, अगर आए हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हम लोग फिर ऑडियंस को अनम्यूट कर सकें और दैन फिर हम लोग क्या करें कि अरसलान अरसलान राजपूत आई थिंक ये वही है। हो गए अरसलान भी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। जी, बहुत शुक्रिया। ये हाँ, आई डोंट नो क्या हुआ था, मेरी आईडी जी रिमूव जी हो गई थी। जी जी अच्छा, कहाँ पे थे? कोई क्वेश्चन एडमाइन करवाइएगा, मैं डाल देता हूं। जी अरसलान भाई, लास्ट टाइम तो आप ना उन्हें भाइयों को पेमेंट गेटवे का बता रहे थे, अभी जो रिमेनिंग वंस हैं वो रह गए हैं, सो आप इनको, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ बारी बारी, तो आप उनको ना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अनस भाई को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनस भाई को ना कर सकते हैं। यार रियाज भाई देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन आप स्टेज के ऊपर आइए, आई एम सॉरी टू से दैट। ऑन द अदर हैंड अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप ना अरसलान भाई को डीएम कर सकते हैं, क्योंकि यार हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है टाइम की, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे तो सारा सेशन उस पर गुजर जा रहा है। इसके लिए अगर आपको कुछ बुरी बात लगी है तो आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। सो अनस भाई को मैं म्यूट कर रहा हूँ, सो अनस भाई पूछेंगे और इंशाल्लाह देन यू विल लेट हिम। जी अनस भाई, वरसान भाई ने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को, मैं दोबारा म्यूट कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने आपसे एक तो पूछना था कि मैंने वर्डप्रेस में ही काम कर रहा हूँ, तो जो डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं उनसे तो हम नंबर्स वगैरह मांग लेते हैं जो वेबसाइट वगैरह पे लगाना होता है, तो जी क्या इस तरह हम पे फाइवर पे भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स उनसे मांग सकते हैं? देखें, जो डिटेल आपको अपने काम के लिए ज़रूरी चाहिए ना, वो आप अपनी हम्म, वहाँ पे गिग की ना रिक्वायरमेंट्स में ऐड कर दें, ठीक है। तो अगर ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपनी वेबसाइट में लगाना है तो मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप इस नीयत से मांग रहे हैं कि आपने भाई लेके जाना है, फिर आपकी अल्लाह की तरफ से भी पकड़ हो सकती है, ठीक है। नहीं, अब देखिए वर्डप्रेस पे तो जरूरी है ना, जो भी वेबसाइट बनानी है उस पे मांग कॉन्टेक्ट सकते हैं, डिटेल्स तो बहुत जरूरी है। जी, वो आप अलाउ करता है, फाइवर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, मैंने बताया ना कि वो अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू। और दूसरा मुझे ये फाइवर सेलर प्लस, ये न्यू प्रोफाइल्स के लिए भी होता है कि जस्ट कोई अगर लेवल है वो आपके पास फ्री मिलेगा? ये सब पे मिल जाता है, न्यू पे भी आप बनाओगे ना, अगले दिन ही आपको सेलर प्लस का फीचर आ जाएगा। 2 प्लान होते हैं इसमें, एक $19 का, एक $45 का। $45 वाला आपको मिलता है जब आप लेवल 2 पे हो जाते हो या टॉप रेटेड हो जाते हो। इसमें वो आपको एक सक्सेस मैनेजर देते हैं जिसके साथ आप बात भी कर सकते हैं, सिंपल वर्ड कह सकते हैं, आपको एक अपना आपका वकील देते हैं, ठीक है, जिससे आप आपका पूछ सकते हो कि मेरी गिग क्यों डी रैंक है, ठीक है, मैं कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मुझे क्लाइंट किस कंट्री से, हर चीज़ का वो आपको आंसर करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा दूसरा तीसरा ये था कि इसकी रिकॉर्डिंग भी कहीं पे होगी, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था सेशन। ये आप अहमद भाई से पूछें इसका नहीं मुझे नॉलेज। अहमद भाई जरा। अनस भाई, हमारे जो भी सेशंस होते हैं ना, हमारा यूट्यूब चैनल है डिजिटल बक्स, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या उन्हें एज इट इज देख सकते हैं, ये रेस्ट आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे अपलोड कर देंगे, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग, क्योंकि ओबियसली पिछले दो सेशंस रहते हैं राइटिंग के भी और एसईओ के भी, तो उनमें से क्योंकि बाई वीकली एक सेशन अपलोड होता है, मतलब 1 वीक बाद एक सेशन अपलोड होता है, तो इंशाल्लाह इस सेशन की रिकॉर्डिंग ना आप लोगों को ट्यूसडे तक मिल जाएगी यूट्यूब पे। सो इंशाल्लाह, आप थैंक यू वहाँ से सो मच। जी, थैंक यू, माय प्लेजर। जी रहमान भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप भाई क्वेश्चंस करें, और मैं चैनल अपना चैनल का नेम भी हमारा जो है उसको टाइप कर रहा हूँ, आप वहाँ से इनसाइट्स ले सकते हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर जिन जिन इन्फ्लुएंसर्स के। सो अब अनस भाई को मैंने अनम्यूट कर दिया। अनस भाई, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आप भाई का है। अहमद भाई मैंने पूछ लिया है। ओके, तो अपना हैंड डाउन कर दीजिए अनस भाई, तो के फिर इस तरह मुझे पता ओके चल जाएगा ना कि। ओके और थैंक यू। ठीक है, ठीक है, रह, सॉरी। रहमान भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वालेकुम अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, कैसे हैं? ठीक वालेकुम ठाक। सलाम। वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, शुक्र अल्लाह। सबसे पहले यार आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हम सबके लिए और गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। अरसलान भाई आपसे मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, तो जी प्लीज। प्लीज़ ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा, आपने जो है एक एक्सटेंशन बताई थी क्विक व्यू की ना, जी, क्या फाइवर क्विक भी जी बिल्कुल, उसको हम सिर्फ टैक्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी और चीज़ के लिए भी हम उसको जो है उससे हेल्प ले सकते हैं? इसका 2 चीजें थोड़ा आपको मिल जाती हैं ना। एक तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें फाइवर ऑर्डरिंग क्यू नहीं शो करवाता, ठीक है, जैसे एसईओ की कैटेगरीज हैं। तो जब भी आपने कोई कीवर्ड सर्च करना है तब आपको ये चीज़ देखनी लाजमी है कि जो सेलर्स ऑलरेडी इस पेज पे रैंक है उनके पास कितने ऑर्डरिंग क्यू आ रहे हैं, ठीक है। अगर तो ऑर्डरिंग क्यू उनके पास नहीं है तो इट्स मीन वो नीच डेड है, ठीक है। वो ऑर्डरिंग क्यू देखने के लिए आप वो फाइवर क्विक व्यू यूज कर सकते हैं, टैग्स के लिए हेल्पफुल है। थर्ड, बस यही 2 मेन बेनिफिट हैं, थर्ड उसके कुछ जो बेनिफिट हैं वो हमारे लिए नहीं है। जी ठीक होगा सर। मेरा दूसरा सवाल ये था आपसे कि आपने कहा था हम सबसे पहले जो है वो रेलिवेंट कीवर्ड जो आ रहे होते हैं वहाँ पे, तो हम सबसे पहले सारों को वन बाई वन चेक करेंगे, हम वहाँ से पहले ये डिसीजन लेंगे कि हाई जो है कंपटीशन जो है वो कीवर्ड आपने कहा ना कि हम टाइटल में 3 कीवर्ड यूज करेंगे, तो वह हम 3 कीवर्ड यहाँ से ही लेंगे, रेलिवेंट कीवर्ड से ही वन बाई वन सर्च करके चेक करेंगे कि हाई कंपटीशन कौन सा है और लो कंपटीशन कौन सा है, और अगर हम वो चूज करेंगे तो किस कैटेगरी पे करेंगे कि ये हाई कंपटीशन और ये लो कंपटीशन है, इसका प्लीज गाइड कर दीजिएगा। देखें, आपने जब भी कीवर्ड, अगर 3 कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपने कॉमन सेंस यूज करनी है, 3 कीवर्ड रेलिवेंट कैटेगरी के हों। अब देखें, आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी पे जा रहे हैं या वेबसाइट ऑडिट की कैटेगरी, ये अभी मैंने लास्ट जहाँ पे हमने गिग ओपन की थी जिसमें 3 कीवर्ड टारगेट हो रहे थे, report.txt, XML साइट मैप और सर्च कंसोल ऑप्टिमाइजेशन एंड वेबमास्टर टूल भी उसने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाई कंपटीशन या मेन कीवर्ड होगा वो कीवर्ड होगा जिसपे सर्चेज ज्यादा है, सर्चेज ज्यादा से आप अंदाजा लगा सकते हो उस पर ऑर्डरिंग क्यू ज्यादा है, उस पर कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन नंबर ऑफ गिग्स ज्यादा है, उसको आप मेन कीवर्ड यूज कर सकते हो। बाकी दो उसके साथ आप रेलिवेंट सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर सकते हो जिन पे ऑर्डर इन क्यू थोड़े से कम है लेकिन है, सर्चेज वो नंबर ऑफ गिग्स कम है, ठीक है, वो आप सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और आपने वीवीआरओ का सर बताया था, थोड़ा उसका प्लीज गाइड कर दीजिएगा, और अगर हम न्यूबीज ज्यादा ज्वाइन करते हैं, गिग बनाते हैं और उसके थ्रू जो हम है वो रैंक करना चाह रहे होते हैं, तो वो हम कैसे मतलब यूज करें उसको। मैं ना लास्ट पे वीवीआरओ का थोड़ा सा जनरल बता दूंगा, इंशाल्लाह सबका क्लियर हो जाएगा वीवीआरओ क्या चीज है और आप क्या कर सकते हैं उसके साथ। जी ठीक है, चलिए मेरा एक लास्ट है, जो जो आपने बताया उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक्स हो तो वो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी गिग्स ऑलरेडी बनी हुई थी और उन पे ना ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे। आपने कहा कि हम जो है 3 कीवर्ड यूज़ करेंगे, 1 मेन और 2 लो कॉम्पिटिशन पे, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। उसके बाद हम जो है टैग्स क्विक व्यू से हम चूज कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो है हम 2 जो पहले पैराग्राफ है उन पे मेन फोकस करेंगे क्लाइंट के लिए, सेम ऐसे ही है। एग्जैक्टली। उसके बाद हम 3 जो कीवर्ड है उसमें यूज कर सकते हैं मेन और 2 दूसरे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो गिग इमेज है वो हाईली डेफिनेशन होनी चाहिए, जो आपने कहा कैनवास की, हम वैसे ही हम जो है वो किसी से बाय भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर वगैरह से बना सकते हैं या किसी से भी, ठीक है। एग्जैक्टली। मैं एज अ लिंक बिल्डर हूँ, तो हम मैं आपने बताया कि उसमें हम जो है रीजन बेस पे जो है हम ये गिग्स बना सकते हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच और इसी तरह भी, जैसे लाइक आपने बताया, तो इस पे तो इसमें प्लीज जो है मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि सेम एज इट इज या इसमें कोई है मतलब जो इसमें कुछ ऐड कर। ये चीज़ें सेम है, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें और बताई हैं एक्स्ट्रा कि आपने अपने पैकेजेस में कीवर्ड ऐड करने हैं और आपने अपना एफएक्यूज लाजमी ऐड करने हैं, वहाँ पे भी आपने अपना कीवर्ड ऐड करना है। जी ठीक होगा। और FAQs हम 5 above यानी 5 to 6 कर सकते हैं या above भी कर सकते हैं। 5 to 6 इनफ है। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। जी तो रहमान भाई का क्वेश्चन होगा, रहमान भाई काइंडली आप अपना हैंड डाउन कर दीजिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ना मैं ऑडियंस में से एक क्वेश्चन लूँगा, यहाँ पे एक बहन ने एक क्वेश्चन किया है कि भाई हम लिंक्डइन प्रीमियम में क्लाइंट को डायरेक्ट मैसेज करें तो हमारा टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। देखिए, आपका जो टेम्पलेट है वो कस्टमाइज होना चाहिए डिपेंडिंग आपके क्लाइंट के बिजनेस के रिलेटेड, लाइक अगर क्लाइंट का कोई टेक का बिजनेस है या उसकी वेबसाइट में जो भी फ्लॉज हैं आप उनको ऑडिट करके उसके हिसाब से जो आप अपना है ना पिचिंग आप उसके हिसाब से कस्टमाइज करके उसे दे सकते हैं। सो दैट्स द बेस्ट थिंग आपके लिए। अगर आप अपनी जो ऑफर है वो जो आपकी पिचिंग है वो जेनेरिक रखेंगे, सेम एज इट इज वही जो टेम्पलेट है, आई होप यू आर डूइंग वेल या अनलॉक एंड लीच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी भी क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं देगा, क्योंकि एज सच आप उसे वैल्यू देंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ऑन द अदर हैंड वो यही रहेगा कि आप स्पैमर्स हैं या एशियंस होंगे तो ऑब्वियसली वो तो कभी करेगा ही नहीं ना। अच्छा क्या नाम है, तलहा भाई से हम लोगों ने क्वेश्चन अब करना है। तलहा भाई आपका जो क्वेश्चन है काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी तलहा भाई थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो सेशन आपने दिया है। मैंने काफ़ी पेड कोर्स पे ज्वाइन किए हैं लेकिन वहाँ पे भी यानी कि इस किस्म का प्रीमियम नॉलेज नहीं मिला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। और दूसरा सर मैंने गिग बनाई थी इसी मेरी एसईओ नीश है मेरी, उसमें मैंने 3 गिग्स क्रिएट की। एक तो जो ऑडिट की आपने आज एक्सप्लेन की, मैंने ऑडिट पे गिग क्रिएट की, जी, और एक ऑन पेज एसईओ पे क्रिएट की, और एक मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन देखी। तो जो ऑन पेज एसईओ की गिग है ना, उस पर मैंने जो वीवीआरओ की आप बात करें, मैंने उस पर वीवीआरओस भी लिए, लेकिन गिग जो मेरी मैक्सिमम आई है ना वो थर्ड पेज तक आई है। सही है, मेन जो कीवर्ड था ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें अराउंड 4000 to 5000 सर्विसेज थी। लेकिन उसके बाद मैं अभी ऑनलाइन भी हूँ, मैंने तकरीबन 7 वीवीआरओस लिए हैं, 20-25 डॉलर के, यानी मैक्सी थे। सही है, तो स्टिल जो मेरी गिग है वो मूव नहीं कर रही है। आज तकरीबन 1.5-2 माह होने वाले हैं तक इस चीज़ को। यार तो, इसमें चीज़ पता क्या है, इसमें काफ़ी बार सेटअप का भी इशू हो सकता है कि आप जैसे वीवीआरओ ले रहे हैं उसके सेटअप का भी इशू हो सकता है, वो किस बेस पे सेटअप। सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वीवीआरओ मैंने लिए किस तरह थे। मेरे दोस्त होते हैं बाहर, कुछ यूके में, एक दो ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके यानी कि अकाउंट्स भी बने हुए थे यूके और ऑस्ट्रेलिया के ही। तो मैंने वो लेजिट तरीके से रिव्यूज़ लिया, मैंने किसी सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लिया। जी अच्छा, वो और एक और चीज़ के जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो बीच में कुछ रिव्यूज़ मैंने इस तरह भी लिए हैं कि मैंने एक रिव्यू लिया, धन मैंने सेम दोस्त से ही दोबारा रिव्यू लिया, ताकि वो रिपीटेड बायर वाला कोई बैज आ जाए या इस तरह से। तो मैंने यानी कि बहुत सेफ होकर काम किया, लेकिन स्टिल वही गिग की कोई रैंकिंग वगैरह इम्प्रूव नहीं हो रही। पहली बात तो मैं आपको जनरल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। यार आपको गिग जब ऑर्डर लगवाने होते हैं वो सिर्फ यही नहीं देखना होता कि जेन्युइन बायर जो यहाँ पे भी है ना डीपीएल वगैरह पे, उनकी भी अथॉरिटी जेन्युइन बायर की जितनी होती है, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ऑर्डर के साथ टिप्स लगवानी पड़ती हैं, टिप्स कह दिए, टिप भी लगवानी पड़ती है, बोनस। ठीक है, कुछ ऑर्डर आपको बायर सेलेक्ट आई डी से लगवाने पड़ते हैं। बायर सेलेक्ट बायर तब मिलता है जब उस आईडी ने बहुत ज़्यादा हाई स्पेंडिंग की हो, बहुत ज़्यादा उसने सेलर्स को ऑर्डर दिए हो। कुछ आपको ऑर्डर फाइवर प्रो से लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रब्ता करिएगा तो मैं इसका आपको ना गिग एनालिसिस करके फिर और भी चीज़ें बता दूंगा। काफ़ी बार ऐसे होता है कि गिग की ऑप्टिमाइजेशन भी ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो आप नंबर शायद मेरा ग्रुप में होगा, मेरे साथ रब्ता करके ना मुझे अपनी गिग शेयर कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूँगा इसके बारे में। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अरसलान भाई, थैंक यू, आप भाई ने उनका आंसर किया। और जो हमारे पास हसन भाई थे, आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हसन भाई अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अगर हसन भाई रहते हैं तो हसन भाई मैं आपको अनम्यूट अगेन कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी हसन भाई, अहमद भाई, अरसलान भाई, first of all, thank you for the meeting. In the meeting, वैसे तो बड़ी informative है Fiverr के लिए आज, और मैंने पहले क्वेश्चन नहीं पूछा है, first time है मेरा, पहली दफा पूछने लगा। अच्छा अरसलान भाई, मेरा क्वेश्चन ये था यार कि अगर हम बाहर से अकाउंट बनाते हैं लाइक यूएस से या यूके से, और उसे पाकिस्तान में यूज करते हैं, तो अकाउंट बैन होने के चांसेस हैं? लाइक आप का फर्स्ट टाइम है Fiverr पे या पहले? फर्स्ट टाइम। फिर आप पाकिस्तान का अकाउंट बनाएं। पाकिस्तान का अकाउंट बनाऊं? जी पाकिस्तान के बनाऊं। तो यार एक गिग रैंक करने के लिए सिर्फ उसके टाइटल वगैरह ऑप्टिमाइज कर लूं, और वो जो टैग्स वगैरह वो डाल दूं, और जो डिस्क्रिप्शन है अगर हम किसी और कॉम्पिटिटर की जो टॉप पे आ रहा है उनकी पकड़ के उसे रीफ्रेश कर दें, या थोड़ा चैट आपको नहीं, आपको अपनी यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। वो मैंने बताया कि आप एआई की हेल्प ले लें, और आपको उनसे एक्स्ट्रा कोई चीज़ वैल्यू डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी होगी क्लाइंट, क्योंकि जब भी क्लाइंट आता है वो मोस्टली 2-3 गिग्स सडनली ना ओपन कर लेता है। उसको जिसकी आई कैचिंग लगती है, जिसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अच्छी लगती है, उसको मैसेज कर देते हैं। तो आपने उनकी डिस्क्रिप्शन से अपनी बेहतर डिस्क्रिप्शन बनानी है। अच्छा, इसमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का भी कुछ होता है कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इतनी दफ़ा कीवर्ड रिपीट होना चाहिए, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह? नहीं, इसमें कोई डेंसिटी तो नहीं है, लेकिन मोस्टली 2 से 3 बार आप अपना ना मेन कीवर्ड यूज कर लेना आप। ठीक हो गया। यार एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने गिग बना लिया, वो स्टार्टिंग में आने भी लग गई है, अब उसमें ये है कि उस पे ऑर्डर लाना लाजमी है ताकि उसे रैंकिंग वाली उसकी ऑप्टिमाइज रखी जाए, या अगर ऑर्डर वगैरह ना आए तो कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगी? वो हो जाती है गायब लाजमी। देखे ना, एक स्पेस आपको फाइवर ने अलॉट की है, ठीक है, और आप वहां से उसको बिजनेस नहीं दे रहे तो वो आपको रिमूव करके किसी और को दे देगा। तो उसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने दिनों में लानी है, या नहीं? टाइम पीरियड कोई नहीं होता। जब फाइवर का दिमाग खराब होता है ना, वो ऊपर नीचे कर देता है कि ठीक है, तो ये गिग चेक करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम पता करें कि हमारी रैंकिंग में आ रही है? वो इनकॉग्निटो मोड में या अपने अकाउंट से भी चेक कर सकते? नहीं, आप डिफरेंट, इसके लिए ना आप डिफरेंट एक प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल कह रहा हूँ क्रोम ब्राउजर एक डिफरेंट बनता है ना, क्रोम ब्राउजर में आप डिफरेंट प्रोफाइल बना सकते हैं, वहां पे जाके आप यूएसए की आईपी का वीपीएन लगा लें, लेकिन बी श्योर वहां पे आपका अपना अकाउंट लॉगिन ना हो, ठीक है? सिंपल, जैसे मैंने सर्च किया ना विदाउट लॉगिन अकाउंट, वहां पे यूएसए का आईपी का अकाउंट लगा के यूएसए में अपनी रैंकिंग देखें कहाँ पे आ रही है, वो आपकी गिग की एक्चुअल पोजीशन है। पाकिस्तान में तो रैंकिंग जल्दी आ जाती है, लेकिन यूएसए यूके की रैंकिंग थोड़ी सी लेट आती है, और यूएसए यूके में ही आपने अपनी गिग रैंक करनी है। ठीक हो गया अरसलान भाई, थैंक यू फॉर द आंसर्स, एंड अहमद भाई फॉर द मीटिंग, बारकल्ला, थैंक यू। सो गाइज हमारा जो नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से अली भाई हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछना है, और मेरे ख्याल से उससे पहले अब्दुल्ला भाई। अली भाई आप बाद में हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब्दुल्ला भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अरसलान भाई से इनसाइट्स ले सकते हैं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। अरसलान भाई मैंने आपसे ये सवाल करना था, मैंने ना फरवरी में ये 2024 में ना गिग बनाई थी फाइबर पे, तो ना विद इन 24 आवर्स ना ऑर्डर आ गया था मेरे पास $15 का कैश पोस्टिंग का। तो उसके बाद मैंने ना फाइबर पे काम ही नहीं किया, मतलब कि बस वही ऑर्डर कंप्लीट करके छोड़ दिया था। तो अब मैं दोबारा काम स्टार्ट करना है, तो क्या मैं अब उस गिग को रिमूव कर दूं क्योंकि वो डी रैंक हो गई है, या वो गिग बनी रहने तो नहीं बना लूं? यार दोनों सिचुएशन वैसे ही हैं, ठीक है? आपको दोनों गिग 0 से ऊपर लेके आनी पड़ेगी। अगर आपकी गिग पे होते ना कोई 5-10 रिव्यूज, तो फिर तो मैं आपको सजेस्ट करता कि उसी को लेके चलो। अब आपकी गिग पे आई थिंक एक ऑर्डर है, आप उसको लेके चलो, न्यू को लेके चलो, तो मोस्टली इक्वली हो गई। अगर तो न्यू बना सकते हो तो न्यू बेस्ट है, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि न्यू को मोस्टली बूस्ट मिलता है। चलो मैं फिर इसको डिलीट कर दूं? जी, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया जी। अब्दुल्ला भाई आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया, तो काइंडली आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद उस्मान भाई हैं, उस्मान भाई आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सर ये पूछना था कि बेसिकली मेरी एक प्रोफाइल है, तो जिस तरह अभी ये पहले अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने काम छोड़ दिया था, तो मैंने तो खैर काफ़ी साल ही छोड़ दिया, ठीक है? उस पे मेरे रिव्यूज़ हैं अराउंड 100+, और प्रोफाइल भी काफ़ी पुरानी है। तो वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि न्यू प्रोफाइल बनाई जाए कि उसी पे काम स्टार्ट कर लिया जाए? और दूसरा, और एक लास्ट, सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो उसमें आता है ना वेटेड बाय फाइवर या प्रो वाला जो बैच, तो उसमें वो जो है उसमें क्या किया जा सकता है कि अगर मैंने चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा है तो मैं उसमें आना चाहता हूँ, उसका आप बता सकते हो उसका क्या सीन हो सकता है? देखें, पहला मैं आपको आंसर करता हूँ कि अगर तो आपने वो प्रोफाइल दोबारा इन्वेस्टमेंट से ऊपर लेके आनी है, लाइक रिव्यूज लगवाने हैं, उसके दो वेज हैं। अगर तो आप रिपीट क्लाइंट्स से दोबारा ऑर्डर ले सकते हैं डिस्काउंट करके, उनको पिच करके या उनको एक्स्ट्रा डिलीवर करके, तो आप रिपीट बायर से ऑर्डर लें, अपने क्लाइंट जो पुराने बने हैं, आपकी प्रोफाइल अप आ जाएगी, ठीक है? अगर वीवीआरओ लगा के लेके आना चाहते हैं आप, तो भी बेस्ट है वो ओल्ड प्रोफाइल, ठीक है? सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। थर्ड चीज़ है, अगर वीवीआरओ नहीं लगाने हैं आपने, ऑर्गेनिकली लेके चलना है, फिर आप न्यू बना लें, ठीक है? क्योंकि ओल्ड प्रोफाइल बहुत मुश्किल से अप आती है लेकिन बहुत मुश्किल से अप आती है, वीवीआर से जल्दी आ जाती है। थर्ड चीज़ आपने बताया कि मेरे पे प्रो बैच का आ जाए, प्रो के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, फाइबर का एक फॉर्म है और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप जाके रीड करें, फुलफिल करें। उसमें आपको आइडेंटिटी काफ़ी कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है अपने स्किल के रिलेटेड, तो वो आपको अप्लाई करेंगे, अगर आपका क्राइटेरिया मीट हुआ तो आपको प्रो बैच दे देंगे। जी मेरे ख्याल से भाइयों ने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, म्यूट अपने आप को। सो आपको आंसर मिल गया होगा। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास मोहम्मद अशफाक भाई, मैं आपको ले रहा हूँ, उसके बाद अली भाई को लेते हैं। जी अशफाक भाई आप अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा असलान भाई, हम ऑनलाइन रहने के लिए फाइवर पे कोई एक्सटेंशन वगैरह यूज कर सकते हैं? ऑटो रिफ्रेशर जैसी होती हैं, ऐसी एक्सटेंशन से कोई अकाउंट पे तो नहीं साइड इफेक्ट होगा? बॉस आपने कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप वगैरह पे तो मैं एक्सटेंशन रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इन पे मेरे अकाउंट की डिटेक्शन हुई है। मोबाइल पे ठीक मैं है। कोई 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने 2 एप्लीकेशन आपको रिकमेंड कर देता हूँ। एक है ऑटो क्लिकर, ठीक है, जी ये आप यूट्यूब से ठीक है वीडियो देख सकते हैं ऑटो क्लिकर फाइवर के लिए कैसे यूज़ की जाती है, और एक है फ्लोरिलो, ठीक है लेकिन ऑटो क्लिकर ज़्यादा बेस्ट है। 3 साल से मुझे इशू नहीं आया, और ये मैनुपुलेशन है। नेक्स्ट कभी इशू आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। यानी कि अगर हम लैपटॉप पे कंप्यूटर पे यूज नहीं कर सकते, रिकमेंड नहीं है हाँ जी, जी। ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो अली भाई का लेंगे। अली भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहारकल्ला। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर, कैसे हो? ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि नेट का इशू था, जिस वजह से क्लास एट स्टार्ट ज्वाइनिंग हो सकती है, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी अली भाई आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। सभी जो हमारी मास्टर क्लासेस हैं उनको ना हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, डिजिटल बक्स के ऊपर चैनल के ऊपर, ठीक है। सो आप वहाँ जी से ठीक है। डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जब क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रीवियस हमारी 2 मास्टर क्लासेस हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग आज अपलोड होनी है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगी चैनल के ऊपर, ठीक है। और ठीक हो गया सर। अगर चैनल का लिंक फॉरवर्ड कर देंगे तो वो इजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये हैं कि एक फिलहाल अकाउंट चल रहा है मेरे पास, जिसका सक्सेस स्कोर 4 पे आके स्टक हो चुका हुआ है। बाकी मेरा लेवल 1 का क्राइटेरिया कंप्लीट है, लेकिन सक्सेस स्कोर की वजह से आके लेवल 1 जो है वो इनेबल नहीं हो रहा, तो उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? इमज दैट 4.9 रेटिंग है, 70 ऑर्डर्स कंप्लीट हैं और उसके अंदर 64 यूनिक क्लाइंट्स हैं और 15% रिपीटेड क्लाइंट्स हैं। सक्सेस स्कोर कितने? सक्सेस स्कोर मेरा 4 आ रहा है। इसके लिए ना 2 सोल्यूशन है। फोर ठीक है सक्सेस स्कोर सबसे डेंजरस सक्सेस स्कोर है। 3 आ जाए, 4 ना आए, मैं कहता हूँ, क्योंकि 3 अप हो जाता है। देखिए सक्सेस स्कोर का ना क्लियर कट आंसर ना फाइवर ने दिया है, और ना जी ही कोई क्लियर कट इसका एक मेथड है। जी जी डिफरेंट मेथड ट्राई करते हैं, और हर बार कोई ना कोई डिफरेंट ही वर्किंग होता है। एक तो आप जी। फाइवर सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं नहीं कि सर, ये मेरे ऑलरेडी उन्होंने मतलब जो फाइवर जवाब दिया बिल्कुल अनएथिकल है। जी जो उन्होंने जवाब, मैंने कांटेक्ट किया था, ईमेल फॉरवर्ड की थी उन्हें, हम्म, मैनुअल इसको रिव्यू करें और जो जी स्कोर जी है उसको 5 करें, क्योंकि मेरे पास 4.9 रेटिंग है, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, सारे जी क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं। लेकिन उन्होंने आगे से ये रिस्पॉन्स किया है कि पहले तो ये कहते थे कि आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करें। मैंने कहा सर, जो मेरी सर्विस है उसके अंदर ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स वाई आप सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं। अगर सेटिस्फाई ना होते तो 5/5 रेटिंग भी ना देते। देन उन्होंने अब ये कहा है कि जो आपको रिव्यू शो हो रहे हैं वो तो पब्लिक रिव्यू है, लेकिन हम वो जो सक्सेस स्कोर है उसको मैं फॉलो अप करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइवेट फीडबैक। मैं ठीक है वही आंसर करने लगा था ना आपको, कि जी जी अगर फाइबर सपोर्ट टीम आपको साथ नहीं दे रही तो वीवीआरओ किस चीज का हल है, ठीक है। ओके ठीक है वीवीआरओ लगाएं विद प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्राइवेट फीडबैक, अप आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट। कितने वीवीआर दो की जरूरत पड़ेगी और जी, मैंने कहा मिनिमम कितने वीवीआर लगवाने चाहिए ये फिर? ये नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होती। ओके दो ऑल तीन राइट। बार करवा के देख लें तो इंशाल्लाह आपको बूस्ट मिल जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन सर ये था, जैसा कि अभी ऑलरेडी एक भाई ने क्वेश्चन रेज किया था कि अगर हम यूएस या यूके अकाउंट्स को यहाँ पे यूज करते हैं साइन अप करने के बाद, तो उसका क्या है? ऑलरेडी वो एक भाई हैं उमर जी प्रेम, उनकी जी मैंने जी एक वीडियो उमर देखी प्रेमी थी, बिल्कुल उनकी मैंने वीडियो देखी थी। उनकी वीडियो में उन्होंने एक चीज डिस्कस की थी 28 फेब को, कि आप क्या काम करें कि पहले लोकेशन यूज करके यार आप साइन अप वो कीजिए। ना मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि वो टॉपिक अभी क्लोज कर दें फिलहाल। वो एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, और यहाँ पे ऑल मोस्टली राइट मैंने सर, भी नोट किया कि ठीक है। बिगिनर बैठे हैं वो कंफ्यूज इसी हो के जाएंगे। रेलेवेंट इसी की रेलेवेंट एक और क्वेश्चन, जी जब जी हम फर्स्ट डे अकाउंट्स न्यू से साइन अप करते हैं, उसके बाद गिग को पब्लिक करने के लिए जाते हैं, तो हमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर करते हैं। जब जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसके बाद जब गिग को पब्लिश करते हैं तो आगे से अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा। यार उसके लिए मैं मोस्टली मेरे तो प्रूव हो रहे हैं। मैं सबसे बेटर सोल्यूशन, मार्केट में बहुत अप्रूव्ड अकाउंट मिल रहे हैं, इवन मेरे पास खुद होते हैं अप्रूव्ड अकाउंट। मैं जी वो उठाता हूँ और उन पे बना देता हूँ। अगर बाहर से परचेज भी करना पड़ जाए तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 1 वीक 2 वीक वेट नहीं कर सकता। ये इशू सबको आता है, लेकिन इसका मैंने आपको ना सोल्यूशन शायद प्रोफाइल पे बताया हुआ है, अगेन बता देता हूँ। कि आपने ना न्यू मोबाइल हो, न्यू पीसी हो आपका, ठीक है, जी इंटरनेट न्यू हो, सबसे लो कंपटीशन कैटेगरी है ना जो, जिसपे 500 से मिनिमम गिग लें, 300 गिग लें, 400 गिग लें, ठीक है। और सी कैटेगरी है जिसपे कोई वर्क नहीं कर रहा, उस पर गिग बना देनी, आपकी फौरन प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और मैं ऐसे ही करवाता हूँ प्रूव, ठीक है। अगर फिर भी ना हो तो बेस्ट सोल्यूशन है कि मार्केट से परचेज कर लें, 2-3 हज़ार का आपको अकाउंट मिल जाता है, उस पर अपनी गिग बना लें। ये कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है जितना पाकिस्तान ने सर पे सवार कर लिया है, ठीक है सर। उसके बाद सर एक और क्वेश्चन ये है कि एक ही लैपटॉप के अंदर अगर हम 5 डिफरेंट ब्राउजर्स को यूज करके हर ब्राउजर के अंदर एक सेपरेट अकाउंट को लॉगिन करें तो कोई इशू तो नहीं आएगा? इशू आएगा बॉस। एक इंटरनेट पे 2 डिवाइस हो तो दोनों पे डिफरेंट अकाउंट हो फिर भी इशू आ जाता है। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप पाकिस्तान का वीपीएस मिलता है, पाकिस्तान की आरडीपी मिलती है, आप उसमें अपना अकाउंट रख लें। ऑलराइट सर, एक अकाउंट मेरे पास 2019 का एक्टिव पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल मतलब गिग लॉन्च की थी, उसके बाद उसके ऊपर वर्क ही नहीं किया। अभी मैंने लॉगिन किया, बिल्कुल फुल एक्टिव है। अब उसको रन अप करने के लिए बेस्ट ये सॉल्यूशन है कि वीवीआर से स्टार्ट लूं या एक दफा उसको ऑर्गेनिक 1 वीक या 1 मंथ तक ट्राई कर लूं? देखिए बॉस, मैंने बताया कि फाइबर 2 लोगों के लिए, एक लोग वो हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक लेके चलें, एक लोग वो हैं जिन्होंने बिजनेस करना है, ठीक है। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने बिजनेस करना है तो आप वीवीआरओ की तरफ जाएं। अगर आपने स्लो चलना है ऑर्गेनिक, फिर आप ऑर्गेनिक लेके चलें। या आपने अपनी बजट देखना है और अपना देखना है। ये आया कि 2023 के सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था अकाउंट, और 2 जून को वो लेवल सेलर 2 का अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है, बैन कर दिया हुआ है। और वो बिल्कुल एज अ फ्रीलांसिंग, कोई वीवीआरओ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, ऑर्गेनिक काम था। लेकिन समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्यों ब्लॉक किया। जब वो बैन हुआ तो उसके बाद फिर आप मल्टीपल अकाउंट्स का सेटअप न्यूज से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वही बात जैसे आप कह रहे हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट इस वक्त पॉसिबल भी नहीं है। उमर बरीम भाई ने भी कल वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उनमें से किसी एक अकाउंट को फिर प्रॉपर पहले वीवीआर से रैंक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर एक से दूसरे अकाउंट की तरफ जो है क्लाइंट्स उनको फिर मूव करना शुरू कर देंगे। फिर क्लाइंट क्यों मूव करने हैं आपने सर? वो बाकी जो अकाउंट से फिर उनको वीवीआर से रैंक नहीं ना करवाएंगे, उनको क्लाइंट से यार करवाएं वीवीआर से रैंक। मेरे टॉप रेटेड तक अकाउंट गए हुए हैं, मैं वीवीआर लगा रहा हूं, मुझे कोई इशू नहीं आया। मेरा आज तक वीवीआर से डिटेक्शन नहीं हुई। जस्ट मैं आप लोगों को रीजन बताऊं, लोग क्या करते हैं, लोगों का वीवीआर सेटअप नहीं अच्छा। मैंने बहुत लोग देखे हैं बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए अपना वीवीआर सेटअप स्लो कर देते हैं, जिसके डिटेक्शन होनी है। इतनी अपडेट्स आई हैं, मेरे वीवीआर की डिटेक्शन नहीं हुई, जस्ट बिकॉज मैं पीछे एक प्रॉपर महंगे से महंगा सर्वर ले रहा हूँ, ठीक है, पेपल वेरीफाइड है, ठीक है, बायर अकाउंट बहुत ऑथेंटिक है, कभी भी डिटेक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये चीज है, आप वीवीआर से रैंक करें। अगर आप एक क्लाइंट को दूसरे साइड पे लेके जा रहे हैं, ये भी अच्छा वे है, लेकिन आपके साथ क्लाइंट की कम्युनिकेशन इस तरह का कोई सीन बन जाता है कि क्लाइंट कहता है मैं ऑर्डर कैंसिल करने लगा हूँ। क्लाइंट इस तरह के भी होते हैं, वो दोनों अकाउंट को रिपोर्ट करके फाइबर को आपके दोनों बैन करवा देंगे। ऐसा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी समटाइम हो जाता है, वर्क करता है, समटाइम नहीं करता। जी सर, एक और लास्ट क्वेश्चन यही है कि एक अकाउंट वीवीआर से अभी रैंक रो आया है, ठीक है, कल वो अली भाई आई एम सॉरी कि ना आप भाई बहुत सेशन का टाइम ले रहे हैं तो ऑडियंस और भी काफी ज्यादा पड़ेगी। आई एम सॉरी से दैट पर सर, लास्ट क्वेश्चन जी सर, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, वीवीआर से रैंक करवाया और वो कल 21,000 उसके ऊपर कंपटीशन था, फर्स्ट पेज की 6 रो पे था, लेकिन अब कल से वो 12 गिग शो ही नहीं हो रही। रिव्यूज कितने थे उस पे, 9 या 10 सर? 13, ठीक है। वो उस पे दोबारा रिव्यूज लगवाएं, ये फाइबर का एल्गोरिथम है। फ्रेश गिग थी, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट था, अभी तक 20 दिन हुए एक्टिव हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, 20 दिन के अंदर आपने ऑर्डर लगवाए हैं, आपने सब ऑर्डर के साथ प्राइवेट फीडबैक लिया होगा, सबके साथ अपने रिव्यू दिए होंगे, ठीक है। वो गिग बूस्ट हो जाती है, फिर फाइबर वहां पे पहले पेज पे जाके आपको पकड़ लेता है, फिर डाउन आ जाती है। अब इसके 2 सोल्यूशन है, 1 वीक वेट करें, ठीक है, फिर वीवीआरओ लगाएं, ठीक है, 25 से 30 वीवीआरओ तक लेके जाएं, आपकी गिग स्टेबल हो जाएगी। दूसरा सीन ये है कि जब आप गिग बनाते हैं ना तो स्लो चला करें, बिल्कुल, ठीक है। एक अगर 10 रिव्यूज आप लगा रहे हैं ना, 10 ऑर्डर लगा रहे हैं, उनमें से 4-5 के साथ आप प्राइवेट फीडबैक, 2-3 के साथ प्राइवेट फीडबैक ना दें, किसी के साथ वो ना दें, पब्लिक फीडबैक ना दें, इस तरह करके ना ऑर्गेनिक लेके चला करें, फिर आपकी गिग स्टेबल रहती है पहले पेज पे। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो गाइज अब अनस भाई ही रह गए हैं। अनस भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अली भाई आपके क्वेश्चंस हो गए हैं ऑब्वियसली, तो आप अपना काइंडली हैंड डाउन कर दीजिए ताकि हमें पता चले कौन रह गया है, कौन इसका आंसर है। बारकल्ला भाई जी। अनस भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। जी जी असलम भाई। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन रह गया था कि मैं ना ऐप पे, अभी मैंने देखा मेरे पास एक पुराना अकाउंट पड़ा था, उसपे ना 200 की अर्निंग हुई हुई है, तो उस पे वो डेज वाला अभी ऑप्शन नहीं है। मैंने लास्ट ईयर फाइवर पे काम किया था, तब ना एक 60 डेज का होता था, तब आप जाके लेवल 1 पे जा सकते थे। तो अभी इस तरह का कोई सीन है डेज वाला, अगर हम फ्रेश प्रोफाइल बनाते नहीं, आपको 3 यूनिक क्लाइंट चाहिए, $400 अर्निंग चाहिए, तो आप लेवल 1 हो जाते हो। आप 15 दिन के अंदर अपना अकाउंट लेवल 1 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 7 दिन के अंदर भी हो जाता है। हैं? ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। बस मैंने अभी अभी देखा तो इसके बाद बार कोई मसला थैंक यू जी। तो होप सो सभी को आंसर मिल गया होगा। भाई जो जो लेट आया ना, वीवीआर वो क्या होता है, फाइवर का किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं, ये वो, भाई अब इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 घंटे से यहाँ पे हम लोग गोश्त तो बेच नहीं रहे हैं। सो हम लोग यही समझा रहे हैं आप लोगों को। तो काइंडली आप लोग जब इसकी भी रिकॉर्डिंग का वेट करें, क्योंकि पता है क्या मसला है लोगों को, लोग जब आप लोग लर्न करते हो तो कोशिश किया करो यार एक पेंसिल और अपना जो है ना कॉपी वगैरह साथ रखा करो। जो भी चीज कोई बंदा बोलता है नोट डाउन कर लिया, आप लोग फिर चैट में पूछने लग जाते हो या फिर हैंड रेस करके पूछते हो, वही सेम एज इट इज। सो एज इट इज आप लोग ना क्या करो कि वो चीजें नोट डाउन करो, तो आप लोगों के पास एक तो नोट्स बन जाएंगे और आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार एक्चुअली में हम लोगों ने क्या लर्न किया था सेशन में। सो ये आप लोगों के लिए एक टिप है वैसे तो अरसलान भाई। होप सो सभी कम्युनिटी को आंसर मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच अरसलान भाई, आप आए, टाइम दिया अपना, इतने कीमती वक्त। तो अरसलान भाई जाते जाते आप कम्युनिटी को क्या एडवाइस दोगे? एक सिंपल जो एक बंदा कहता है कि यार ये मेरी एडवाइस है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को और कम्युनिटी को इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग देयर कैरियर्स। जी अरसलान भाई। वो मैं 2 एडवाइस दूंगा। एक तो स्टार्ट लें, एक्शन लें, ठीक है। दूसरा अपने अंदर से नेगेटिविटी खत्म कर दें। आप बेशक फ्रीलांसर हैं, बेशक आप ब्लॉगर हैं, बेशक जो मर्जी हैं, एक दूसरे को इनकरेज करें। मैंने बहुत देखा है कि मोस्टली ना हम एक दूसरे की पोस्ट पे नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। अगर कोई 1000 रुपये की भी सक्सेस स्टोरी लगा रहा है ना अपनी, उसको इनकरेज करने के बजाय हम नीचे लिख रहे हैं मैंने इतने कमाए हैं, मैंने ये किया, तो ये चीज से दूर हो जाए। कामयाबी बाकी इंशाल्लाह आपके कदम तो चूमेंगी जब आप मेहनत करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। सो अरसलान भाई थैंक यू सो मच यार, आप भाई आए, इतनी टिप्स दिए और ऑडियंस को इंसाइट्स मिले। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा जरूर देगा। सो गाइज इंशाल्लाह हम लोग फर्दर भी सेशंस कंडक्ट एज इट इज जिस तरह हम लोग जा रहे हैं प्रीवियस मंथ से, तो हम लोग नेक्स्ट भी इन्फ्लुएंसर्स को लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ एसईओ, राइटिंग, टेक्निकल, हर फील्ड के रेलिवेंट, हर नीश के रेलिवेंट। सो स्टे ट्यून्ड, आप लोग साथ में रहिए, सपोर्ट दिखाइए। और यार गाइज इस तरह की चीजें ना अवॉइड किया करो। अब देखो लोगों ने शेयर की, मैं चाहता तो ये था कि लाइक मैं जैसे सेशन नहीं कंडक्ट कर सकता था, लेकिन मैं एक बंदे के लिए सभी कम्युनिटी को नहीं कर सकता कि यार उनकी वजह से वो ऐसे, वो यार जिसको है उनको वो अल्लाह पाक देख रहा है, तो उनको भी इसलिए उनका मिल जाना उसका फीडबैक जिन्होंने जो चीज की है। खैर सो गाइज इस सेशन की रिकॉर्डिंग हम लोग वापस आते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगी नेक्स्ट वीकेंड पे। तब तक के लिए आप लोग समी भाई का अगर जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा या बिलाल भाई का राइटिंग के रिलेटेड नहीं देखा तो उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बिलाल भाई की आज हो जाएगी, आप लोग वो देख सकते हैं। बाकी भाइयों ने किसी ने पूछा कि अपवर्क के सेशंस और जो लिंक्डइन के रिलेटेड, तो अपवर्क के ऊपर हमारी जो मास्टर क्लासेस हैं वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। उसमें फराज अहमद साहब आए हुए थे हमारे साथ, अहमद फराज सॉरी सर, उनसे हम लोगों ने इंसाइट्स लिए थे अपवर्क के रिलेटेड। तो अगर आप किसी ने अपवर्क की जर्नी देखनी है, अपवर्क कैसे रैंक करना है, कैसे ग्रो करना है, तो आप लोग चैनल के ऊपर जाके अपवर्क रिलेटेड वो जो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग है उसे लर्न कर सकते हो, उससे इंसाइट्स ले सकते हो और देन आप लोग अपवर्क के ऊपर भी अपना बिजनेस सस्टेन कर सकते हो। सो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और वो हमारा होगा इंशाल्लाह। ऑल्दो मैंने जाना भी है कहीं पे, लेकिन फिर भी मैं अपना जो है लैपटॉप साथ में लेके जाऊंगा, तो ड्यूरिंग एट दैट ट्रैवलिंग मोड हम लोग वो सेशन हमारा जरूर करेंगे। तो हमारा जो सेशन होगा नेक्स्ट वो हमारा होगा अल्लाह आपका भला करे सिमेंटिक एसईओ के ऊपर। सो गाइस जो जो एसईओ लर्न करना चाह रहा है, सिमेंटिक्स के बारे में लर्न करना चाह रहा है कि एक्चुअली में वो चीज़ क्या होती है, और उसमें हम लोग हामिद भाई की जो है जर्नी के बारे में लर्न करेंगे कि यार उन्होंने कैसे गोरों से सीखी वो चीज़ और कैसे वो अपनी एसईओ को ग्रो किया, कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या लर्न किया, उनकी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है। तो इंशाल्लाह वहाँ से हम लोग इंसाइट्स लेंगे। और अनस भाई यार आई एम सॉरी टू से दैट कोई अब Q&A नहीं होगा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि भाई अब सेशन ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने लगे हैं। तो बाराकल्ला ब्रदर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इजाज़त दीजिए।